जैसे अमान जिक्र किया है, कोई तारुफ करती हूँ, मैं आयशा हूँ। मैंने सिटी प्लानिंग यानी शहरों की प्लानिंग में मास्टर्स किया हुआ है और मैं शहरी आर्किटेक्ट हूँ। आज हम किसी भी सदी में जमीन पर करते की सियासत पर बात करेंगे। पूरा दिन जमीन का इशू और कल भी बहुत वाजे तौर पर सामने आया है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो हमारे पैनल्स हैं उनका तारुफ कर लूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ उमर गिलानी साहब हैं, सॉरी जी एक सेकेंड, उमर साहब इस्लामाबाद में मुकीम एक वकील हैं। उनकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के माहिर हैं और पाकिस्तान के अर्बन कानून में खास दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने भी अहम सब केसेस की वकालत की है, मसलन जो I-11 कच्ची आबादी की तबाह कारी से इनकी नुमाइंदगी उन्होंने की। अभी रिसेंटली जो बदियाती इदारों की तहरीक का केस था वो उन्होंने लड़ा। उनके साथ हमारे पास राजा अकबर रियाज कियानी साहब हैं, वो दो-दो-चार प्राइम एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं और तहरीक सुबह उनका के एग्जीक्यूटिव मेंबर और जिला सदर हैं। फिर हमारे पास सैयद फयाज गिलानी साहब हैं जो कि एक सियासी कारकुन हैं, कॉलम निगार हैं, सोशल वर्कर हैं। इसके साथ फयाज साहब रेनबो कास्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। स्क्रीन पर आपको हामिद असलम बलोच नजर आएंगे जो समाज और सियासत में दिलचस्पी रखने वाले उस्ताद हैं। वो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शोबा पैनल इकवामी तलबा को पढ़ाते हैं और अवामी जो चेहती महाज जो कि शहरी हकूक के लिए काम करने वाला एक इकट है के अबूरी कन्वीनर है। उनका तालीमी पस मंजर पैनल इकवामी तलब और पोलिटिकल साइंस में है और पेरिफेरल रीजन की सियासत और वाशिंगटन दिलचस्पी लेते हैं। और आखिर में स्क्रीन पर ही आपको नजर आएंगे जैन मौलवी, उन्होंने लम से LLB की डिग्री हासिल की है और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से जदीद इस्लामी सियासी सोच में PhD कर रहे हैं। जैन इस वक्त माहौलियाती तहफ़ की कवानी तवानाई पॉलिसी और जमीन के मलकियती हकूक पर रिसर्च और एडवोकेसी करते हैं। इस सिलसिले में वो खसूसन घर और जनूबी पंजाब पर नजर रखते हैं। तो ये हमारा पैनल है। 2 मिनट होंगे आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं किस चीज़ पर फोकस करना चाहती हूँ और फिर मेरे पास सबके लिए थोड़े सवाल हैं तो बारी बारी में पूछती जाऊँगी और उम्मीद है कि एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। जो चीज़ सामने आई है इस वक्त सारे दिन की डिस्कशन से और जो मेरे ख्याल में हम जानते हैं कि मैं रिपीट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान इस वक्त तेज़ी से अर्बनाइज हो रहा है, शहर फैल रहे हैं और हर तरफ आबादी बढ़ रही है। इसके साथ साथ रियासत का जोर तरक्की पर है और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट पर खास काम हो रहा है और आवाम के लिए रियासत घरों और नौकरियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी कोशिश है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये मनसूबे ज़्यादातर पेरिफेरल एरियाज या पेरिफेरल रीजन्स में डेवलप हो रहे हैं। अब पेरिफेरी का जो आपने लफ्ज मेरे ख्याल में काफ़ी सुना है उसका लफ्जी तर्जुमा तो मज़ाफाती या नवाही इलाके हैं जो किसी शहर के मज़ाफात में वाक़ हों। लेकिन थोड़ा मैं आपको ये आइडेंटिफाई कराना चाहूँगी कि तहकीक की नज़र से पेरिफेरी सिर्फ जगह के हिसाब से मानी नहीं लगता बल्कि खसूसन उन तब्दीलियों का नाम है जो रावलपिंडी से लेकर बलोचिस्तान तक पूरे मुल्क में रोनुमा हो रही हैं। पेरिफेरी एक प्रॉब्लम स्पेस है जहाँ तरक्की के नाम पर ज़मीन पर कब्जा करके लोगों को बेदखल किया जा रहा है। ये बेदखली किस नौत की हो सकती है? ये इस तरह की है कि हमने कई मिसालें सुनी कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं जैसे कोई रिंग रोड या कोई तवानाई के प्रोजेक्ट जिनमें रियासत लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ज़मीन लेती है और उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट बनाया जाता है। या ये बेदखली इस तरह होती है कि कोई प्राइवेट कंपनियाँ या रियल इस्टेट डेवलपर अपनी स्कीमों के लिए ज़मीन की खरीदारी करते हैं। या बहुत सारे आप लोग इस तरह के मिसालें भी जानते होंगे कि छोटे छोटे ज़मीन के मालिकान कहीं यहाँ ज़मीन वहाँ छोटे छोटे ज़मीन है वो भी इस वक्त जो एक बूमिंग मार्केट है उसका फ़ायदा उठाने के लिए ज़मीन की खरीदारी करते हैं और उसको कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ये पेरिफेरीज या नवाही इलाके वो जगह हैं जहाँ ज़मीन पर और वसाइल पर सख्त मुकाबला जारी है। ये नवाही इलाके पसमानदगी और बेदखली का शिकार इसलिए होते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मरकजी इलाकों से दूर रखा जाता है, मसलन इंडस्ट्रियल जोन शहर से बाहर ले जाए जाते हैं ताकि उनकी अर्बन की शहर में ना फैले।
इन तरह के आदि मनसूबों से अक्सर इन पसमानदा इलाकों का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। और चूंकि ये सब मनसूबे किसी जगह या जमीन के टुकड़े पर कायम होते हैं, यानी कि एक स्पेशल उनकी नौयत होती है, तो उनसे मुतालिक लैंड क्वेश्चन यानी कि जमीन मलकियत की तब्दीली में फवायद की तकसीम का सवाल, यानी कि बेनिफिट्स किसको जा रहे हैं, शायद ये सबसे अहम सवाल है जो कि बार बार उठा है। और इन सब तरह के आदि मनसूबों का दारोमदार लैंड एक्विजिशन एक्ट पर है, जिसके जरिए रियासत या खुद इन मनसूबों पर अमल करती है या इसके जरिए प्राइवेट कंपनियों के लिए मुमकिन बनाती है। मसलन जैसे कि रावी सिटी में हो रहा है या फिर पिंडी रिंग रोड के इर्द गिर्द बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह की तरक्की के नतीजे में जो जमीन पहले मकामी लोगों की रसाई में थी वो प्राइवेटाइज हो जाती है, यानी उसके गिर्द दीवारें या फेंसेस बन जाती हैं और तरक्की के फायदे नाहमवार तरीके से तकसीम होते हैं। मसलन हाउसिंग सोसाइटी में बेहतरीन फैसिलिटीज नजर आएंगी, बिजली, गैस, सूएज, पार्क्स, हर तरह के अमेनिटीज होंगी, लेकिन साथ वाले गांव में ये सब चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट इस तरह की नाइंसाफियों पर खामोश है। इसमें कुछ अहम अज्जा ज़ेर गौर लाने की ज़रूरत है। मसलन इस कानून के मुताबिक मफाद आमा के लिए रियासत जबरन ज़मीन पर कब्जा करती है, लेकिन ये किसके मफाद की बात हो रही है ये वाज़े नहीं है। फिर कॉम्पनसेशन या मुआवजे में कई तकनीकी और प्रोसीजरल मसाइल हैं। शायद ये सबसे अहम ये कि मुआवजा आज की मार्केट रेट के मुताबिक तैयार होता है टेक्निकली एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक, लेकिन मनसूबे की वजह से पूरे इलाके की मार्केट बदल जाती है और मुतासरीन का बेइंतहा नुकसान होता है कि आज की कीमत के मुताबिक आपको मुआवजा मिला, लेकिन इतनी रैपिडली वो सारी मार्केट गर्म हो गई है कि अब उस कीमत के ऊपर वहाँ के लोग आपको ज़मीन नहीं ले सकते। फिर फाइनल पॉइंट मैं ज़्यादा देने को दूंगी, फाइनल पॉइंट ये है कि ये कानून मुतासरीन की रीसेटलमेंट या आबादकारी का कोई इंतज़ाम नहीं करता। सो ये दो तीन अहम पहलू हैं जिसमें हमारे पैनलिस्ट हमें कुछ थोड़ी थ्योरी भी बताएंगे, एक्ट के बारे में बताएंगे और कुछ जो खसूसन प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इसका इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं अपने सवाल की वजह से आती हूँ। अच्छा, तो उमर थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप थोड़ा एक सेटअप कर दें कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अहम नुकात और तरक्याती मंसूबों के लिए ज़मीन के हसूल में अहमियत क्या है। बहुत शुक्रिया ऐशा, मुझे ज़ाती तौर पर खुद भी बहुत दिलचस्पी है कि हमारे साथ जो फराज़ुल हसन गिलानी साहब और कियानी साहब बैठे हैं, जो इस्लामाबाद में इस वक्त लैंड एक्विजिशन के मुतासरीन की एक तहरीक की सियासी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनकी कहानियाँ हम सुन सकें और उसको समझ सकें। तो मुझे तो ज़्यादा दिलचस्पी आ रही थी कि इस पैनल की शमूलियत के ज़रिए से मैं इनकी कहानियाँ सुन लूँ, लेकिन कानून के हवाले से आपने मुझसे सवाल पूछा तो उसका मैं मुख्तसरन जवाब दे दूँ। पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 24 में लोगों को प्रॉपर्टी के हक को महफूज किया गया है, लोगों का जो हक बिल्कियत है उसको तहफ़ दिया गया है, लेकिन उस ये बड़ा तवील और बड़ा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है जिसमें मुतादिद इस्तस्नाई कैफियात एक्सेप्शंस बयान की गई हैं। So the law recognizes, the constitution recognizes the right to property, but it gives a long list of exceptions. कि ये ज़मीन किसी की acquire हो सकती है for the public purpose, provided that this is done under the law, यानी किसी कानून के ज़ाब्ते के मुताबिक उसे ज़मीन हथियाई जाए और उस कानून में ये भी लिखा हो कि इसका क्या मुआवजा होगा और मुआवजे का तरीका कार क्या है। तो आइन जो सबसे बुनियादी कानून है वो लैंड एक्विजिशन की इजाज़त देता है बशर्ते कि वो किसी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हो। अब वो ज़ाब्ता कानून क्या है, वो ज़ाब्ता लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है। ये कानून 1894 से पहले भी मौजूद था, लेकिन 1894 में इसको ये शक्ल दी गई, बाद में इसमें बड़ी अहम तरामीम भी होती रही है। लैंड एक्विजिशन एक्ट
50-60 शिकों पर मुश्तमिल एक कानून है, जिसके दो बुनियादी नुकात पे आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। एक तो वो ये हुकूमत को इस बात की इजाज़त देता है कि वो किसी भी शहरी की ज़ाती मिल्कियत को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जबरन अक्वायर कर ले, यानी उसको हथिया ले, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो इट अलाउज फॉर एक्विजिशन, लेकिन उसकी शर्त पब्लिक पर्पस है। ये हुकूमत किसी से उसकी मिल्कियत जबरन सिर्फ उस वक्त ले सकती है जब ये मफादे आमा के लिए लाजमी हो जाए। लैंड एक्विजिशन एक्ट में पब्लिक पर्पस की कोई तारीफ या डेफिनेशन बयान नहीं की गई, लेकिन ये जो तारीफ है ये बाद में अदालतों के फैसलों से उसको हम इंफर करते हैं, इंडक्शन करते हैं। मुख्तलिफ हम केसेस देखते हैं कि फलां केस में अदालत ने किसी शख्स ने किसी वक्त किसी हुकूमत ने हाउसिंग के लिए, एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए या लेबर कॉलोनी बनाने के लिए ज़मीन अक्वायर की और वहाँ के जो मालिकान थे उन्होंने उसको चैलेंज किया, तो अदालत ने ये फैसले में कहा कि ये लेबर कॉलोनी बनाना भी एक पब्लिक पर्पस है। इस तरह बाद में मुख्तलिफ दर्जनों सैकड़ों केसेस हमें मिलते हैं जिनमें जिनको पढ़ के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वक्त कानून की नज़र में क्या चीज़ मफाद आमा में है, क्या चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो लोग आप में से सियासियात के तालिब इल्म हैं या किसी भी तरह समाजी उलूम को समझते हैं या एक्टिविज़म के ज़रिए से आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो ये बात समझ सकते हैं कि पब्लिक पर्पज़ जैसी इस्तलाह का कोई के मायने मुख्तलिफ होते हैं और इसका ताल्लुक आपके मफादात से होता है। यानी मुझे ये लगेगा कि ये ज़मीन डंडोचा के जो मुतासरीन हैं उनकी ज़मीन को हथिया कर बहरिया टाउन को पानी देना पब्लिक पर्पस में है। अगर मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ या मेरी नज़र बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी पे हो, लेकिन अगर मैं डंडोचा गाँव में रहता हूँ तो मुझे ये मफाद आमा में महसूस नहीं होगा। तो इसका तयन करना बड़ा मुश्किल है और ये किसी हद तक ये कानून से ज़्यादा सियासी मुद्दा है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में पहली बात तो ये है कि एक्विजिशन कैन ओनली बी डन व्हेन इट इज़ सर्विंग द पब्लिक पर्पस, बट पब्लिक पर्पस इज़ नॉट डिफाइंड। दूसरी बात ये है कि कानून में ये बात भी बड़ी वजाहत से लिखी गई है कि एक्विजिशन बगैर कॉम्पनसेशन के नहीं हो सकती, यानी और कॉम्पनसेशन भी फेयर होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी शख्स से उसकी ज़मीन जबरन हथिया रहे हैं तब भी आपने उसको मुआवजा वही देना है जो मार्केट वैल्यू है, जो अगर वो आपको खुशी से दे रहा होता तो उस वक्त क्या वो आपको देता। अब लेकिन यहाँ भी फेयर कॉम्पनसेशन देना कानून में, ये आईन में भी लिखा हुआ है और लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि फेयर कॉम्पनसेशन देना लाजमी है। लेकिन फेयर कॉम्पनसेशन की कितनी है और किस शक्ल में होगी, ये अगेन एक ऐसा मामला है जो कि जिसका कोई ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी भी जब भाव ताव हो रहा था, कोई डील हो रही होती है, तो उसमें आखिर में मार्केट वैल्यू कहाँ पे सेटल होती है, ये बड़ी ये इसका 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 ताल्लुक कई चीज़ों पे होता है। अर्जेंसी आपको कितनी जल्दी पड़ी हुई है उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं, अगला बंदा कितना कमज़ोर है। तो अगर एक गांव के लोग जो हैं वो गरीब हैं तो वो अपनी ज़मीन कम दामों पे भी हुकूमत को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको उस कैश की ज़रूरत है जो हुकूमत उनको दे रही है, शायद कोई और ना दे। अगरचे मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर वो कुछ साल इंतज़ार कर लेते तो वो ज़मीन की कीमतें बढ़ जाती। फेयर कॉम्पनसेशन क्या है, पब्लिक पर्पस क्या है, ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर कानून में इबहाम भी है, और अगर इबहाम ना भी होता तब भी ये चीज़ें कानून के साथ साथ मफादात से भी जुड़ी हुई हैं। तो इसमें लोगों को जब तक लोग अपने शऊर से और शऊर के साथ इकट्ठे नहीं होंगे, अपना हक मांगेंगे नहीं, तो कानून भी उनको उनका हक दे नहीं सकता। इसलिए जो काविश आपने की है आज मुतासरीन को इकट्ठे करने की, ये एक आसान कदम है और मैं इसको सराहता हूँ। अच्छा उमर साहब ने मोटा मोटा थोड़ा कानून समझा दिया कि दो तीन इसके अहम जुज हैं कि जो भी लैंड एक्विजिशन एक्ट इस्तेमाल होगा वो मफाद आमा के लिए इस्तेमाल होगा, उसमें कॉम्पनसेशन जो मुतासरीन है उनको देना एक अहम जुज है, लेकिन उसमें और भी मसाइल हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ बने, किससे जमीन ली जाए, कितनी जमीन ली जाए, वो सारे भी अज्जा आ जाते हैं।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर 3-4 मिनट में आप जो डुडोजा डैम का केस है उसमें हमें थोड़ा समझा दें कि लैंड एक्विजिशन एक्ट कैसे इस्तेमाल हुआ और जो मकामी लोग हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये फोरम दिया जहाँ पे हम अपनी जो आवाज़ है वो तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। बात यहाँ तक है कि लैंड एक्विजिशन की, तो ये सिलसिला 2006 में शुरू हुआ जब पहली दफ़ा DHA ने एक्वायर किया हमारा इलाका। हमें बिल्कुल किसी मशावरत में शामिल नहीं किया गया, जो वहाँ के मालकान थे ज़मीन के, किसी को भी मशावरत में शामिल नहीं किया गया। अचानक हमें लेटर्स मिले कि जी आपकी ये ज़मीन जो है वो एक्वायर हो चुकी है और आप इससे बेदखल हैं। हम लोगों ने उसमें मतलब इकट्ठे हुए 7-8 मौजात थे उस वक्त, लेकिन 22 मौजों को उन्होंने उस वक्त किया था, क्योंकि हम करीब करीब जो थे दोचा डैम के वो 6-7 मौजे थे। हमने एक प्रोटेस्ट किया पिंडी कचहरी में, उस वक्त खान साहब जो हमारे अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी हमारे साथ यानी यकजहती का इज़हार किया। फिर हमने केस किया, केस में DHA लोअर कोर्ट से आ रही, फिर हाई कोर्ट से आ रही, फिर डबल बेंच में उनका केस अभी भी अपील में, वो उनकी एक्वायर ख़त्म हो गई। फिर 2010 में ये चले गए अपील में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से जो मौजूदा अदालत है उसने कहा जी पानी की ज़रूरत है, तो लिहाजा आप ये रकबा इतना 7,977 कनाल जो है इसको एक्वायर करें और जो है मुतासरीन को जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक इनको दें। हम इंतज़ार करते रहे कि हमारे साथ कोई बात करेगा हमें हमारी ज़मीनों के जो हमारा हकूक हैं। आप जुल्म देखें कि इस सारी पोजीशन में ना तो हमें मशावरत में लिया गया, और मज़ीद जो जुल्म हुआ वो ये कि हमारे 3 मौज़े जो हैं वो पूरे के पूरे उसके अंदर आ रहे हैं जहाँ में रहायश है हमारी लोगों की, ठीक है, सदियों से आबाद हैं हम वहाँ पे। कोई उसकी प्लानिंग नहीं की गई कि इनको कहाँ आबाद किया जाएगा, इनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, इनको इनके मकानात के इवज़ क्या दिया जाएगा, ज़मीनें तो एक तरफ रह गई। खैर 2019 में यानी 9 साल मज़ीद गुजर गए, 2019 में फिर अचानक मस्जिदों में पटवारी आए, उन्होंने आके मतलब वो नोटिफिकेशन लगा दिए कि जी ये ज़मीनें दोबारा एक्वायर हो चुकी हैं। बल्कि पहले था 7,977 कनाल और फिर इन्होंने 14,720 कनाल पे रकबा ले लिया, और कोई मशावरत नहीं किसी, और 14 मौज़ों को शामिल कर लिया, 7 से 14 मौज़े चले गए। हम लोग फिर गए कि जी आप ऐसा करें कि हमें मशावरत में शामिल करें, हमारी ज़मीनें कर रहे हैं, ये तो आप डैम में जो आ रही हैं वो चलें ठीक है, जो डैम के अलावा हैं वो आप क्यों शामिल कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे शामिल कर रहे हैं, क्या हमें मार्केट रेट क्या देंगे। हमने अपने एतराज़ात जमा कराए, वो हकूक सलब करके इन्होंने अचानक सेक्शन 4 लगा दिया, यानी अवार्ड कर दिया। हमें कहते रहे, इवन सिटिंग MNA हमारे सदाकत अब्बासी साहब को हमने बुलाया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया उनको कि सर ये देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है, आप सिटिंग MNA हैं हमारे, आप जो है बात करें इनसे कि जी हमें हमारा हक दें, और हमसे जो है वो ठीक है ज़मीन अगर गवर्नमेंट लेना चाहती है हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी एक तो आपने जुल्म ये किया है महकमा माल ने और लैंड माफिया ने मिल के कि हमारी जरी ज़मीनों को बंजर इन्होंने कागजात में उसमें मैंशन किया हुआ है। आप हमारी देखें ऑन ग्राउंड जाके कि हमारी आबाद ज़मीनें ये नाला लिंक के साथ आबाद हैं, सदियों से हम लोग इसको काश्त कर रहे हैं, और ये जरी ज़मीनें आपने इसको बंजर सारा जहर लिखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने हमसे बात की कि ठीक है ऐसा नहीं होगा, 27 तारीख को वो हमसे 27 सितंबर को बात कर रहे हैं, जबकि 1 जुलाई को वो अवार्ड हो चुका है ऑन ग्राउंड, हमें बताया नहीं गया ना। हमें जब हम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में चले गए, हमने जाके वहाँ पर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ फिर इन्होंने अवार्ड दिया कि हम तो अवार्ड कर चुके हैं। कोर्ट ने इनसे पूछा कि जी आप जो है अब लैंड एक्विजिशन का ये है, वकील साहब बैठे हैं, कि 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है, और अगर 1 साल नहीं कर सकते तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो रिक्वेस्ट करता है वज़ीर आला को कि जी आप ऐसा करें कि हम ये वजूहत हैं इस बेस पे हम नहीं कर सके, लिहाजा हमें टाइम दें। वो 1 महीना टाइम दे सकता है, यानी 12 महीने पहले हो गए, 1 महीना वो फिर देता है, फिर नहीं कर सकते हैं तो 1 हफ्ते का टाइम मिल सकता है।
अब 2010 2 नवंबर 2010 को ये एक्वायर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2011 तक जा सकते हैं, 13 महीने यानी एक्सटेंड कर सकते थे, 2019 तक ये सोए रहे बिल्कुल। कोर्ट ने इनसे जस्टिफिकेशन मांगी कि आप जस्टिफाइड हमें बताएं कि आपने ये क्यों किया। वहाँ ये जस्टिफिकेशन देते हैं जी मलिक रियाज ने केस किए हुए थे, उन्होंने कहा जी वो प्रॉपर्टी डीलर है लैंड ऑनर, आपको किसी कोर्ट ने मना किया था, अब आप इमरजेंसी लगा रहे हैं और इनके हकूक सलब कर रहे हैं, ये भी मफाद अमा में अगर आए तो ये भी तो आबादी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको अकोमोडेट करें आप। जज साहब ने उनका जो नोटिफिकेशन था वो कैंसिल कर दिया और साथ बाइंडिंग लगाई कि आप मुतासरीन के साथ बैठें कमिश्नर को, और 2010 का जो नोटिफिकेशन है 7977 कनाल, उस पे इनसे बैठ के जो मार्केट रेट है उस पे आप जो है इनसे बात करें। तो ये सूरत हाल है कि कौन लोग बैठे हुए हैं और किसको मतलब फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। मुतासरीन आप ये जितने मुतासरीन हैं जो मुतासरा गांव हैं वो मतलब ज़्यादातर उनमें फौजी लोग हैं, यानी या तो सर्विस कर चुके हैं या कर रहे हैं या उनके आबाओ अजदाद जो है ना वो फौज में थे। ये सारा एरिया सिर्फ ये कह के DHA मतलब हथियार आए कि जी हम शोदा और जो गाजी हैं उनको प्लाट देंगे। तो ये जो अरसा दराज से पाकिस्तान बनने से पहले से फौजी हैं ये लोग, ये इलाका जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले फौजियों का इलाका है, तो इनकी क्या गलती है, इनके आबाजदाद ने ये जगह रखी थी, पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करते रहे हमारे आबाजदाद हमारे भाई। मैं खुद JCC 26 का जो है वो जो कोर्स है मैंने क्वालिफाई कर लिया था, सिर्फ अंडर राइट हो गया था, अगर ना होता तो मैं भी आज फौज में होता। तो मेरे बड़े भाई कैप्टन रिटायर्ड हैं, तो हर घर में 2-3 फौजी हैं। हम ना तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं ना DHA के ख़िलाफ़ हैं, सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जी हमें हमारे जायज़ हकूक दे दें, ठीक है, प्रॉपर जो मार्केट रेट है। आप देखें DHA एक प्लाट एक उसी मौजे का उसी खसरे का, जो एक खसरा आधा आ गया डैम में आधा डैम से बाहर है, जो डैम के अंदर है वो 65,000 रुपये कनाल एक्वायर हो रहा है, और जो डैम से बाहर है जिस पे DHA अपना प्लाट बना के बैठ गई है, Phase 6 का प्लाट की वैल्यू आप सारे जानते हैं मार्केट में अनाउंस है। एक ही खसरे का रेट जो है वो इतना मुख्तलिफ क्यों, कि वो मकामी है, ठीक है। अब ये चीज़ें स्टेट के ख़िलाफ़ भी जाती हैं, अगर हम बात करते हैं तो फिर कहते हैं कि जी ये स्टेट के ख़िलाफ़ बात हो रही है, आप ऐसी बातें ना करें। हम तो नहीं चाहते कि हम ये बात करें, लेकिन अगर आप आज हम अपना हक छोड़ देते हैं कल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हम तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो कॉम्पनसेशन वाली चीज़ है वो इतनी वाजे नहीं है, जो उमर ने भी हाईलाइट किया था मसला जी, कॉम्पनसेशन रेट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आपके केस पे नजर आया था, आप में वापस आते हो जी बिल्कुल बिल्कुल। फैज साहब भरोचा का केस जो है वो ये है कि एक डैम के लिए जमीन एक्वायर हो रही है, आप रिंग रोड के केस में शामिल थे, वो प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टिगेशन में चला गया है, लेकिन वो एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें सिर्फ एक सड़क नहीं बन रही थी और एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था जिसमें इंडस्ट्रियल जोन और बस टर्मिनल और थीम पार्क और हेल्थ सिटी और पता नहीं क्या क्या बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। तो थोड़ा सा आप मुझे इस पर नज़र डाल सकते हैं कि ये जो एक मैसिव तब्दीली हो रही थी पूरे इलाके में, इसके फायदे किसको जा रहा था? जी थैंक यू वेरी मच, हम आपके मशकूर हैं, आपने दूसरी दफ़ा हमें ये मौका दिया कि हम लोगों के सामने अपनी बात कर सकें। बाकी जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, इस पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकली बहुत बहस हो सकती है और हो चुकी है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर तौर पे बताऊं कि जो हमारा केस है वो इन चीज़ों से रिलेटेड ही नहीं है। यानी हमें ये अब ये एक परसेप्शन ये पैदा किया जा रहा है कि जी कुछ शरारती बंदे हैं, कभी हमारे हमें सियासी तौर पे बदनाम किया जा रहा है जी ये वो फलां मुखालफीन से हैं, ये फलाने के मुखालिफ हैं। हमने Day 1 से पटवारी से ले के वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक ये सिर्फ एक केस उनके सामने रखा था और हमने उनसे कहा जिन जिन से हम मिले पटवारी से ले के वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक कि सर
आप इंसाफ कर दें। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरी इलेक्शन कंपेन मौला अली के इस कॉल पे चलाई थी कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो हमने उनसे कहा था कि जी आप हमें बता दें, अगर हम गलत हैं तो ठीक है। और हमारा केस क्या था, हमें रिंग रोड से कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि हम तो हमारी ये शदीद ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में या कम अज़ कम पंजाब में पिंडी और इस्लामाबाद ये वाद एरिया जहाँ पे कोई सर्विस रोड नहीं है, कोई रिंग रोड नहीं है, बनना चाहिए। हमने उनसे ये कहा कि जी आप हमें एक बात ये बता दें कि जो पहले इसका इलाका एलोकेट किया गया था, बाकायदा सर्वे हुआ था, वो बाकायदा पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उसको आपने चेंज करके आबादियों में क्यों ले आए, उसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप यकीन करें कोई किसी किस्म की एक रत्ती बराबर भी कोई जस्टिफिकेशन हमें नहीं मिली। ये एक पॉइंट था। दूसरा, हमने उनको ये कहा था कि जिस तरह ये अभी गिलानी साहब ने इसके कानूनी पहलू बताए हैं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ और मैं एक सादा बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि इंसाफ का खात्मा दुनिया के किसी कानून मजहब माशरे में जस्टिफाई है ही नहीं है। ये एक जिसको आप कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ के खिलाफ है। तो अब इंसाफ का तकाजा यह है कि जी हमने यहाँ तक भी कमिश्नर साहब को कहा कि जी आप ये कहते हैं कि हमने मार्केट वैल्यू नहीं लगानी, वो सो कॉल्ड डीसी रेट लगाना है, आप लगा दें, वी डोंट माइंड। वो गलत कर रहे हैं आप, जो डीसी रेट है उससे भी आप कम कंपोसेट कर रहे हैं, वो लगा दें, वी डोंट माइंड, हम आपके साथ हैं, कर दें। लेकिन ये जो बदमाशी, ये लोगों को पता होना चाहिए कि अब रिंग रोड बन रहा है उसके लिए ज़मीनें अक्वायर की जा रही हैं, ये दुनिया के किस कानून में लिखा हुआ है कि पिंडी में जो कर रहे हैं वो मौजे वाइज कर रहे हैं, जो अटक में कर रहे हैं वो खसरा की लोकेशन की बुनियाद पे कर रहे हैं। दूसरा, पिंडी जीटी रोड के ऊपर जो हमारे मौजियात आते हैं, मनक्याला है, बग्गा म्याना है, उसकी कीमत लगा रहे हैं 2.5 लाख रुपया पर कनाल, और अटक में जो सरवर खान और जावर बुखारी साहब की जमीनों की कीमतें लगा रहे हैं वो इतने में वो मरला की भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये हमारा बुनियादी तौर पे जो स्टांस था या जो हम खड़े हुए थे वो उस नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे कि भाई ये आप कुछ लोगों को कंपोसेट करने के लिए एक बड़े मंसूबे को आप खुद मुतनाज़ा कर रहे हैं, और फिर मुतनाज़ा करने के बाद बजाय इसके कि आप उस पर थोड़ी सी माजरत खाना रवैया करें, अपॉलोजी करें, आप बदमाशी कर रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि आपने जो करना है कर लें। अभी जो सर ने बात की या कानून की, मैं सिर्फ एक फिक्रा उसमें ऐड करूंगा। मैं सदाकत अवासी साहब, ये जहां से ये रिंग रोड शुरू हो रहा है उसका जो इब्तदाई 15 से 20% एरिया है वो सदाकत अवासी साहब का आता है, फिर आगे सरवर खान साहब का है, फिर आगे अटक में वो दाखिल होता है। तो चूंकि मेरा तल्लक भी उस इलाके से है जो सदाकत अवासी साहब के पास है, बाय द वे हम सरवर खान साहब के पास भी गए हैं, वो भी पहले हमारा हल्का उन्हीं के साथ था। अब आपके लिए ये बात कितनी हैरत की है कि सदाकत अवासी साहब मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे वो कानून लगा ला के दिखाओ जो ये साबित करे कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैंने उनको कहा, मैं जरा बात लंबी हो रही है, मैंने उनको लाइट मूड में एक लतीफा सुनाया था, मैंने कहा सर वो कोई माई चली गई डीसी के पास, तो उसको वो उसने अपना बयान किया आजकल डीसी साहब, चूंकि वो कहीं लिंकन और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा अम्मा जी आप इस तरह करें कि आप कोई वकील कर लें। तो वो माई ने कहा कि सदके जावा पुत्र तेरी डीसी तू, गल तू समझ नहीं आती ते वकील मैं कर लेवा। तो मैंने उनको कहा सर कानून साज असेंबली के रुकन आप हैं, कानून आप बना रहे हैं, कानून की तशरीयात आप दे रहे हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि हम आपको वो कानून बताएं। और फिर अगले दिन हमने उनको वो कानून बताया। जब वो कानून बताया तो MNA साहब ने इंतजामिया से राबता किया। अब कानून में आप कोई भी यहाँ पे ये नौजवान बैठे हुए हैं आप गूगल करें, वो ये है कि जी कि आप इसको कंपोसेट करेंगे एज पर द मार्केट रेट। और सर को किसी सरकारी बंदे ने ये बताया कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो तशरीह है, वो ये है कि जिसको वो डीसी रेट कहते हैं कि जी ये मार्केट रेट नहीं है, ये मार्केट रेट से
इस रिंग रोड के हवाले से, वैसे इन जनरल जो मार्केट रेट है वो मार्केट रेट ही है, लेकिन पिंडी रिंग रोड के हवाले से जो ये कानून में मार्केट रेट लिखा हुआ है उससे मुराद वो रेट है जो हम डीसी रेट के नाम से लगा रहे हैं, ये हालत है इनकी। तो बहरहाल हम उस बेइंसाफी के खिलाफ खड़े हुए थे, और अब तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जो कुछ भी, ये कुछ लैंड ग्रैबर्स को, कुछ जो ये बिजनेस टाइकॉन्स हैं, सोसाइटियों के मालकान हैं, कुछ हमारी पॉलिटिकल एलीट है, और अनफॉर्चुनेटली ये कियानी साहब कह रहे हैं जी हम डीएचए के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं, हमें खिलाफ किया गया है, ये नहीं है कि नहीं। सबसे ज़्यादा जो डीएचए वाले हैं हमारे यूनिफॉर्म वाले, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए एक तमाशा लगाया जा रहा है, और आखिर उन्होंने इंसाफ नहीं करना, किसी और तरीके से हमारी गिच्छी को मरोड़ देना है। लैंड एक्विजिशन एक्ट की एक अहमियत यह है कि उसका जो सारा जोर है वो जमीन की मलकियत से है, और जो कॉम्पनसेशन और सारे उसके जो अज्जा हैं वो ओनरशिप को देखते हैं, उस जमीन के इस्तेमाल को नहीं देखते। तो जो बलूचिस्तान में आप सारे तरक्याती मनसूबे देखते हैं उसमें आपको जो ऐसे मकामी लोग हैं जो मालिक नहीं है लेकिन मुतासरीन हैं, उन पर क्या असरात नजर आते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के इस्तेमाल के? बहुत शुक्रिया आयशा। तो उम्मीद है कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। तो इस वाले बलूचिस्तान में तरक्की के हवाले से सबसे पहले तो मैं, जो दोस्तों ने पिंडी के मिसाल दी, जहाँ पे मैं फैजान से भी कह रहा था कि ये जो मास डिसओरिएंटेशन और शॉक एंड ऑक, ये जो एक पॉलिसी है जो हमें नजर आती है हुकूमती इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी, और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनका एक गठजोड़ नजर आता है। हमारे यहाँ इसमें यह है कि इसका स्केल बहुत बड़ा है बलूचिस्तान के केस में, और इसमें चूंकि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी है चाइना की वजह से, और तीसरी बात है इसमें ये करना चाहता हूँ कि ये जो तस्वर है तरक्की का, जिसके इर्द गिर्द जो कवानीन का जिसका आपने जिक्र किया और जो तफसीर साहब है उन्होंने तफसील से इस पे बात की, उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके ये इस प्रिमाइस पर कायम है ये सारी बात और उसके जो टूल्स हैं कि जी मतलब कुछ लोग हैं और कुछ खत्ते हैं जो कि जिनको तरक्की देने की ज़रूरत है, यानी कुछ लोगों को का जो सोशल सिस्टम है वो गैर तरक्की याफ्ता फेज में है दुनिया, मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन के सारे साइकिल में, और इकोनॉमिस्ट की तरफ से, और जो शायद ये काफ़ी मेन स्ट्रीम आजकल पॉलिसी सर्कल्स में भी चल रहा है पाकिस्तान में, कि जी ये लोग रिसोर्सेज की जो एफिशिएंट यूज़ है, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो ज़मीन के ऊपर हो, क्योंकि ये नहीं कर रहे, और ये लोग और उनका सोशल सिस्टम उनके सामने एक रुकावट है, तो इनका मतलब हाथ पकड़ के पहले समझाया जाए कि जी आप ऐसे न करें, हमें इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दें ताकि नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स, अब हमें पता भी नहीं आजकल के नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड से मुराद क्या है, उसके रास्ते से रुकावटें दूर की जाए, और जब वो नहीं मानते तो फिर जाहिर है फिर हमने बलूचिस्तान में देखा कि शुरू में इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जब लोकल रेजिस्टेंस आई और एतराजात आए अपनी शिरकत की बात आई, तो फिर ये एक वायलेंट एक्यूमुलेशन में बड़े जल्दी से तब्दील हो गया, और आई एम श्योर के इवन पाकिस्तान के मरकजी इलाकों में थोड़ा सा फ़र्क यह है कि हमारे यहाँ मीडिया की इतनी रीच नहीं है, चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, और आप लोग चूँकि सेंटर में बैठे हुए हैं तो शायद उस तरह से तशद्दुद करना मुमकिन ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में प्रोसेस ये यूनिवर्सल ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
कि लोगों को धकेलना, उनकी एग्जिस्टिंग लाइवलीहुड्स को मुतासिर करना और यू नो उसके ऊपर एक तरक्की का एक पूरा डिस्कोर्स और फिर उसकी फिजिकल जो है मैनिफेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सूरत में आके उसके मतलब आउटले की जाती है, उस पर बिठाई जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बलूचिस्तान के अंदर नज़र आती हैं। तो इसके अलावा जाहिर है जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो फिर सिक्योरिटाइजेशन बढ़ती है और सिक्योरिटाइजेशन से फिर वो जो इनिशियली जो गोल्स इन्होंने सेट किए होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि वो डेवलपमेंट का जो गोल है वो मुसलसल, अभी हम ग्वादर की अगर हम बात कर लें या और रीजन की बात कर लें तो उसके जो गोल पोस्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं मुसलसल, लेकिन अभी तक लोगों ने मतलब कहने का ये है कि कोई बेनिफिट्स उस हवाले से नहीं देखे। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के उस हिस्से की तरफ जिसमें आपने बात की कि लैंड की आपने स्पेसिफिकली बात की, लेकिन मैं उसको नेचुरल रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से मैं फ्रेम करना चाहता हूँ अपने जवाब देते हुए कि मसलन जो कॉमन रिसोर्सेज हैं उस पर जाहिर है जो कस्टमरी राइट्स हैं यहाँ पे तो लाइक कॉमन रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा मेन स्ट्रीम है बजाय अर्बन सेंटर्स के। तो लोगों की जो ज़मीन की मलकियत है और जो ज़मीन का यूज़ है इसमें बड़ा फ़र्क है, मतलब आप ज़मीन के मालिक भी हो सकते हैं लेकिन इसके बावजूद आप किसी पेस्टोरलिस्ट को या किसी नोमैड को या कोई जो उस दरख्त से जो अगर वो खुराक हासिल करना चाहता हो, तो क्योंकि ये रिवायात सेंचुरीज में डेवलप हुए हैं जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज किया है कि जी ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के चलें चाहे वो मतलब ओनर्स ना भी हों। तो ये जो जदीद यूरोपियन प्रॉपर्टी का तस्वर है कि जी मतलब इनक्लोज किया जाए उसको और इंडिविजुअल राइट्स की सूरत में उसकी मैनिफेस्टेशन हो जिसमें आप लोगों को रोक सकें, तो ये वाला जो जो थ्रस्ट है या ड्राइव है प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से बलूचिस्तान में ये रिसेंट है और लेकिन ये बड़ा तेज़ी से आगे जा रहा है। अब इस हवाले से अगर आप ग्वादर की मिसाल देते हैं, ग्वादर को फ्रेम तो ऐसे किया जाता है कि जैसे यहाँ पे पहले कुछ था नहीं और हम मतलब इसको तरक्की दे के एक इंटरनेशनल शहर बना, राइट, लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि ग्वादर अगर एक फिशिंग सेंटर था, मैंने सुना खुदाजा वाजू भी आए हुए थे तो उन्होंने ज़रूर तफसील से बात की होगी जो माहिगीर कम्युनिटी को जो समंदर और शिकार और अपने खुराक रोजगार सॉरी मैक्सेस के मसले हैं, लेकिन साथ साथ ग्वादर का जो बैक साइड है वहाँ पर बारानी ज़मीनें होती थी, लोग थोड़ा सा ज़रात करते थे, थोड़ी सी वहाँ पे जो है ना वो जो माल मवेशी रखने वाले लोग पेस्टोरलिस्ट थे वो ज़मीन को एक्सेस करते थे, लेकिन अभी आपने सुना होगा पिछले 6-8 महीनों में कि वो जी वो पूरे इस टाउन एरिया को वो इनक्लोज कर रहे थे बजरिया एक बाढ़ के, तो उससे ज़ाहिर है लोगों का एक्सेस मुतासर होता है, लाइवलीहुड मुतासर होती हैं, एक्सक्लूसिव जोन्स बनते हैं और एलिनेशन का एक प्रोसेस क्रिएट होता है और एलिनेशन से फिर ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो बनता है और बलूचिस्तान इसकी लपेट में बेसिकली। ठीक है, थैंक यू सो मच अमल। और मेरे ख्याल में जैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि कल और जनूबी पंजाब के हवाले से इसी सिलसिले में हमें कुछ बताएं कि वो जो एक आम लैंड यूज और लैंड ओनरशिप रेजीम की एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत डेफिनेशन है जो प्राइवेट ओनरशिप पे या इंडिविजुअल ओनरशिप पे रिलाई करती है, उसकी वजह से आप क्या मिसाल देते हैं? शुक्रिया आयशा दावत देने का भी, बाकी साथियों को सुना और गम भी हुआ अफसोस भी हुआ सुन के कहानियों का सीखने को भी मिला, लेकिन इसमें इन सारी कहानियों में एक कदरे मुश्तरक जो चीज़ नज़र आ रही है जिसमें पहले बात करूँगा फिर उसके बाद मैं आता हूँ लैंड रिजीम्स पे, वो ये है कि एक अमूमी तासर यही है लोगों के यहाँ भी और ये हुकूमत के यहाँ भी कि हुकूमत का कोई हक है जो लैंड एक्विजिशन है, कि वो ये हक रखती है कि जहाँ वो ज़रूरत महसूस करे वो उठा के उसे ले ले। और इस कानून में भी जिस तरह से कानून बनाया गया है जगह जगह इस तरह का एक ये तासर दिया जा रहा है और उसको यकीनी बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे जो थर में जो एक्विजिशन हुई हैं वो अर्जेंसी क्लॉज के तहत हुई, उसमें मौका देने का कोई तसव्वुर ही नहीं है लोगों को कि वो आके ऑब्जेक्शन दें या उस पर किसी किस्म का सवाल उठाएं, बस वो लागू करके उसे फौरन कब्जे में
लिया जा सकता है जमीन को। इसी तरह जो हम देख रहे हैं कि ये जो इसकी ऑपरेशन एंड प्रैक्टिस घर में भी देखने को मिला है, उसमें लोगों के यहाँ भी ये तसव्वुर नहीं है कि ये जो चीज़ हो रही है हमारे साथ जो होने को जा रहा है ये अमल ही जो है गैर कानूनी है, इसमें कोई मसला है। वो सारा मामला कॉम्पनसेशन की तरफ जो है वो ले जाते हैं, मुआवजे का सवाल वहाँ से खड़ा हो जाता है, उसी के इर्द गिर्द जो है वो सारी स्ट्रगल और सारी जो है मुज़हमत जो है वो की जाती है। अच्छा, वजह इसकी एक ये है कि इस सारे एक्ट के अंदर जो बुनियादी जो उसका वो है मफूजा वो ये है कि ज़मीन जो है वो दो किस्म की है, या तो सारी रियासत की और रियासत अपनी मुकम्मल सवाबीत पे जो करना चाहती है कर सकती है, या फिर किसी एक ज़ाती मलकियत के किसी की ज़ाती मलकियत है और जब रियासत चाहे तो वो उसे अपने इस्तेमाल में ला सकती है। हालांकि अक्सर जगह ऐसा नहीं है, और जैसे कि हमल ने भी बात की, लोगों के ज़मीन के इस्तेमाल के कई कई तरीके हैं और उसके कई कई रिवाज हैं अरसे दराज के। तो थर में मिसाल के तौर पे जो ज़्यादातर ज़मीन कब्जे में ली गई थी कोल माइन और कोल पावर प्लांट के बनने के लिए, उस हवाले से वो ज़्यादातर गाउचर ज़मीन है। गाउचर से मुराद चरार गाहें हैं लोगों की, जो किसी की एक ज़ाती मलकियत नहीं है, गो के वहाँ ज़ाती मलकियत में भी ज़मीनें हैं और भी मुख्तलिफ़ किस्म के टेन्योर सिस्टम्स हैं। मिसाल के तौर पर एक साल जिसमें लोग जो हैं वो इलाके के उस ज़मीन को होती हुई रियासत की है लेकिन उसको ले के उसको आबाद करके फिर बाद में उनके साथ एक किस्म का एग्रीमेंट होती है कि उन तक वो मुंतकिल की जाएगी उनकी मलकियत में। लेकिन ये तीसरी किस्म की है गाउचर, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे राइज है। और इसके अलावा जो गाउचर इटसेल्फ जो ज़मीन है उसका तसव्वुर ना इस तरफ गिरता है, यानी वो ना रियासती ज़मीन है और ना ही वो किसी की ज़ाती मलकियत में। अलावा इसके उसको भी तस्लीम दो तरह से किया गया, यानी हुकूमत अपने ही कानून में जो बेसिकली आपके डेजर्ट लैंड ग्रांट पॉलिसी स्कीम्स हैं उधर मुख्तलिफ सालों में वो रिन्यू भी होती थी 1930 में, 2000 में, 2002 में एक्सेट्रा वगैरह, वहाँ पे आपको ये बात तस्लीम शुदा मिलती है हुकूमत की तरफ से कि एक जो के सदियों से चलते आ रहे एस्टेब्लिश गाउचर हैं उनकी भी एक कैटेगरी मिलेगी, और एक सेंक्शनड या रिजर्व या डिक्लेयर्ड गाउचर भी हैं जो हुकूमत खुद लोगों को उनके मफाद के लिए देती है। अब सवाल यहाँ से ये पैदा होता है कि हमें देखने की जरूरत है लैंड एक्विजिशन को सारे कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर, सिर्फ एक लैंड एक्विजिशन को अलग-अलग देखने की जरूरत नहीं है, तमाम सारी चीज़ों को एक साथ उनके रिश्ते आपस में ताकि दिखें, क्योंकि कुछ ऐसे तजादात दाखिल हैं कानून में और वो तजादात ना सिर्फ के एक तसादुम का सबब बनते हैं लेकिन हमारे लिए वो एक किस्म की एक मुमकिनात की भी खिड़कियाँ खोलते हैं, हमें उस तरफ भी निगाह रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो हमें इन कानून में मिलते हैं गाउचर की अंडरस्टैंडिंग रिकग्नाइज्ड हुई हुई कानून में, वही कानून ये भी कहते हैं कि आप इन गाउचर को उठा के किसी के फिर हवाले नहीं कर सकते, यानी रियासत उस ज़मीन पे कब्जा करके आगे लीज दे दे या किसी की ज़ाती मलकियत में दे दे, ग्रांट कर दे, अलॉट कर दे, नहीं कर सकती। और ये सिर्फ गाउचर के हवाले से नहीं है, इसमें मुख्तलिफ और भी कैटेगरीज हैं, कब्रिस्तान के इलाके शामिल हैं, वो चरारगाहों के सिर्फ चरारगाह नहीं लेकिन वो रस्ते जो हैं आसाइश हैं यानी ईजमेंट्स यहाँ से माल मवेशी वगैरह गुजरते हैं और इस तरह के दीगर जो हैं लोगों के इस्तेमाल में जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में पानी के भी तो मतलब जो जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ वगैरह वगैरह। तो पहले तो ये बात है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में इनका तो खाता कहीं आता ही नहीं, क्योंकि मेन उसका मकसद जो है वो ये है कि लोगों की ज़ाती ज़मीन सीधे में, लेकिन जब एक ज़मीन जो है वो लोगों के मुश्तरका खाते में आ रही है और वो मुश्तरका खाते में आते हुए कई सालों से उसके इस्तेमाल में भी चल रही हो, उसका क्या बनेगा? और उसके सवाल पे किसी किस्म की जो है इस वक्त किसी की निगाह नहीं है, और ये नज़र में लाना सख्त ज़रूरी है। वजह इसकी ये है कि उसका प्रोसेस क्या है उसको इस्तेमाल करने का, वापस कब्ज़े में लेने का, और क्या ये वापस कब्ज़े में ली भी जा सकती है और किन किन चीज़ों के लिए ली जा सकती है और उसका प्रोसीजर क्या है वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रियासत अपनी सवाबीत पे करती चली आ रही है लेकिन इसमें किसी किस्म की कानूनी जो है वो नज़र और किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का सवाल इस वक्त नहीं होता। तो ये दो मेजर इसकी जो है पहलू हैं जो घर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जैन, ये बहुत हेल्पफुल था ये समझने में कि एक लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ लैंड से कई ज़्यादा नुकसान होते हैं जो इस एक्ट के अंदर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल्कुल क्लियर नहीं किए जाते। टाइम हमारे पास कम है, आपसे सवाल पूछूंगी सम पहले से, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से मुझे 30 सेकेंड में जवाब दें इसका। पहले उम्र आपके पास आती हूँ कि मेरे ख्याल में सारे पहलू को हमारे पास अहम पहलू एक्विजिशन एक्ट के हमारे सामने आ गए हैं, तो कानूनी नज़र से आपके ख्याल में क्या अहम अमेंडमेंट
सामने आए उनका असर थोड़ा कम हो जाए। जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि पब्लिक पर्पस है क्या, इसकी तहकीक कर दी जाए कि पब्लिक पर्पस में क्या की चीज़ें शामिल हैं। मैं एक चीज़ इसी पर तवज्जो दिलाता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान में 2010 के बाद 18वीं तरमीम के बाद लोकल गवर्नमेंट्स को भी एक ख़ास मकाम दिया गया है आइन के आर्टिकल 140A में, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे मुकदमे को कबूल करते हुए मकामी हुकूमतों के टेन्योर को तहफ़ दिया है, उनके मकाम और मरतबे को तस्लीम किया है। तो इस हवाले से जब आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद या दिल्ली के शहरियों को रिंग रोड की ज़रूरत है, रिंग रोड के साथ जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनकी शॉपिंग मॉल्स की वगैरह वगैरह, हुकूमत पंजाब की हुकूमत ये तयन नहीं कर सकती, ये तयन सिर्फ पिंडी की मुंतखब मकामी हुकूमत ही कर सकती है, मुंतखब मकामी हुकूमतों को की मशावरत के बगैर इस किस्म की लैंड एक्विजिशन करना मेरी नज़र में आज भी गैर आईनी है। और इस हवाले से आइन तो वाजह है, अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट में कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो भी की जाए। इसमें हमने मुख्तलिफ जो एहतजाज किए या गवर्नमेंट से जो हमारी थोड़ी बहुत मुलाकात हुई उसमें हमने उनके सामने जो चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट रखी, उसमें जो मेन था ये था कि हमारे जो तीन मौजूद उसके अंदर पूरे के पूरे आ रहे हैं तो उनकी रिहेबिलिटेशन पहले रखी जाए ताकि जो मुतासर घरों में लोग रहने वाले हैं उनकी आबादकारी हो सके। और वो आप जो नज़दीक ज़मीनें उनमें जैसे DHA वगैरह ने वो डेवलपमेंट की हुई है तो वो इन्हीं मौजों की ज़मीनें अगर वो हमारी एक्वायर कर सकते हैं तो उसको भी तो एक्वायर ऑलरेडी उन्होंने करके तो बाहर किया है ना, तो उसी में उनको आबाद करें। दूसरा ये है कि हमारी जो ज़रि ज़मीनें हैं उनको मैंशन ज़रि करके उनके जो रेट हैं मार्केट रेट के मुताबिक 30 से 40 लाख रुपया मतलब बनता है उनका, उस हिसाब से पेमेंट कर दें मुतासरीन जो है अपने हिसाब से ज़मीन पर कनाल इससे ज़्यादा रेट हैं, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि चलें ठीक है वो डेवलपमेंट करते हैं तो चलें वो डेवलपमेंट निकाल दें, लेकिन मार्केट हमारी 30 से 40 भी मौजूदा अगर रेट निकालें तो इससे ज़्यादा बनती है, 50-60 लाख रुपये कनाल बनती है, लेकिन हमने उनको एक सजेशन दी थी कि 30-40 में भी चलें कुछ आंसू पहुँच जाएंगे लोगों के, ठीक है ये आप बात करें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट करें, बिल्कुल हम कैपिटल के दरवाजे पे बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे बेरोजगार हैं तो हमें इस जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा हो तो जो आप डैम बनाएंगे जो मुतासा मौजूद हैं उसमें जो भी इनकम वगैरह होगी उसमें जिस तरह रियल्टीज बाकी जगहों पर आपने दी हैं तो इन मौजूद को भी दी जाए, तो ये हमने जायज़ जायज़ जो मतलब मेन 4-5 पॉइंट रखे थे, मज़ीद जो है वो डिस्कशन से जो है वो हाल निकल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कोई सुने तो ना, मेन चीज़ ये है कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और लोग जब एहतजाज करते हैं तो वो फिर उनको गलत समझा जाता है, ये सबसे बुरी बात है। और जैसे भाई ने कहा कि हम DHA के, मैंने कहा कि DHA के, मैंने ये कहा है कि हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, बाकी हमारे बच्चों के हक कोई छीनेगा चाहे कोई भी इदारा हो या कोई बंदा हो, हम उसकी आंखों में आंखें भी डालेंगे और उसके गले में भी हाथ डालेंगे। बहुत शुक्रिया किलानी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। रिंग रोड का केस एक तनाजे में चला गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, लेकिन आपकी तहरीक जारी है कि आप हुकूमत से भी मिल रहे हैं, जो इलाके के सियासतदान हैं उनसे भी मिल रहे हैं, कानूनी तौर पर भी आप इस पूरे बजट को देख रहे हैं, तो एक वर्कर के तौर पर जो ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा समझना चाहूँ कि आपके आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, आपकी डिमांड्स क्या होगी, आप कैसे इस बजट को आगे देख रहे हैं। देखिए जी, पहले तो जो आपने कहा ना कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हमें मशकूक क्यों कर रही है,
उसकी वजह यह है, अपेरेंटली तो अगर आप देखें तो जाहिर है हर काम रुक गया है और आए दिन मीडिया में हम सुनते हैं जी फलां के खिलाफ हो रहे हैं, फलां के खिलाफ, तो ये शक किस वजह से पैदा हो रहा है कि अब तक इन इस गवर्नमेंट ने किसी एक बंदे को किसी एक बंदे के खिलाफ पर्चा नहीं करवाया, किसी एक के खिलाफ केस नहीं बना। चले ये बात की बात है, वो प्रूव होता है, यानी पटवारी से लेके मिनिस्टर्स तक किसी के खिलाफ नहीं बना, बल्कि इन्होंने एक सेफ वे देना शुरू कर दिए। जुल्फी बुखारी साहब कहीं और चले गए, डीसी साहब कहीं और चले गए, कमिश्नर साहब कहीं और चले गए। बाकी ये जो आपने कहा ना कि हमारी तहरीक में एक जो मैं तो जाहिर अपने अकल के खिलाफ देहाती आदमी बात करूंगा, शायद कुछ लोगों को वो बहुत अनपढ़ सा लगे, एक रवैया अनपढ़ सा, लेकिन मैं जितना कुछ समझा हूँ, वकील साहब ने बहुत ज़्यादा दी हैं कानून, इन्होंने भी कानून के बहुत से पहलू बताए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये एक नंगी हकीकत है, वेदर यू लाइक आर नॉट, माइट इज राइट। जिसके पास ताकत है, कानून भी उसी का है, इंतजामिया भी उसी की है, जुडिशरी भी उसी की है। मैं आपको दो मिसालें देता हूं, एक तो ये कियानी साहब बैठे हुए हैं, ये हाई कोर्ट से अपना केस जीत के आए हैं, अब अदालत ने इनके हक में फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको समन किए बगैर, नोटिस किए बगैर मुतासरीन को, दूसरी तरफ की पटिशन को उसी वक्त मंजूर भी कर लिया, उसी वक्त ऑर्डर भी पास कर दिया। अब ये यहां पर पता चलता है कि कानून का मतलब क्या है, पाकिस्तान में क्या है। दूसरा, ये रिंग रोड में चूंकि हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, आप यकीन करें कि जो लैंड कलेक्टर है वो एक तहसीलदार लेवल का अफसर होता है, जो लैंड कलेक्टर है सर को पता है। जब हम कमिश्नर साहब के पास गए, हम आरडीए के चेयरमैन साहब के पास गए, हम एमएनएज के पास गए, मिनिस्टर्स के पास गए, आप यकीन करें कि आरडीए का चेयरमैन एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर भी है, जिनके बारे में एक परसेप्शन यह है कि उनकी बात चलती है, उन्होंने उसको बुलाया, वसीम ताबर साहब। वो लैंड कलेक्टर इतना मजबूत है कि कमिश्नर हो, डीसी हो, ये आरडीए के चेयरमैन हो, उनके सामने बैठ के वो हमारे मुंह पे कह रहा है कि जिसने जो करना है कर ले जी, होगा तो वही जो हो गया है। मैंने उनको कहा, आरडीए चेयरमैन को भी कहा और डीसी साहब को भी कहा, मैंने कहा सर आप इस रिंग रोड को छोड़ दें, पहले आप इस लैंड कलेक्टर से ये पूछें कि इसके पीछे वो कौन सी ताकतें हैं कि एक तहसीलदार लेवल का अफसर है और आपके सामने कह रहा है, वो ये कोई कानूनी हमें वो नहीं सबक पढ़ा रहा, जिस तरह ये इनका तरीका होता है सी एस पी अफसरान का कि वो मीठी बातें करके के देखें जी इस कानून के तहत ये होता है, वो थोड़े अपोलोजिस्टिक होते हैं ना, और ये एग्रेशन दिखा रहा है और आपके मुंह पे कह रहा है कि जो जो करना है कर लो। इसका मतलब यह कि इस तहसीलदार के पास तो इटसेल्फ तो कोई ताकत नहीं है, इसके पीछे वो लोग आप ढूंढें कि कौन लोग इसको कह रहे हैं कि तुम अपनी जगह पे डटे रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इन तजर्बों के बाद मैं ये समझ आऊं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास ताकत है, खा वो सियासी ताकत है, खा वो किसी फूल की ताकत है, खा आपकी जेब में पैसा है, फिर कानून भी आपका है, इंतजामिया भी आपकी है, फिर कानून को डिफाइन आप करेंगे कि नहीं जी ये इस कानून के तहत, ये जितने भी गिलानी साहब ने कानूनी पहलू बताए हैं, ये आप यकीन करें ये इन जो बदमाशों को फैसिलिटेट करने के लिए। अब ये सर कह रहे थे कि जी कानून ये है कि अगर जमीन वो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर लेती है तो वो वापस जाना चाहिए। बड़ी मिसाल है, हमारे पास है रेडियो पाकिस्तान, वो भी हमसे ज़मीनें, हमारे बुजुर्गों से उन्होंने इसी तरह ज़मीनें ली हुई थी रेडियो स्टेशन के लिए। अब रेडियो स्टेशन ख़त्म हो रहा है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि या वो बैरिया को जाएगा या डीएचए को जाएगा, मालकान को वापस नहीं जाएगा अगर कानून है। अगर यहाँ पे आपने अपनी बात मनवानी है तो दो ही तरीके हैं, या तो आपके बाप दादा ने कोई गेम की हुई है और आपके बैंक बैलेंस है तो ठीक है, कोई अहदा है तो ठीक है, कोई सियासी पार्टी आपके पीछे तो ठीक है, नहीं तो आप यकजा हो के बस जिस तरह वो बदमाशी कर रहे हैं आप उसका जवाब उसी तरह दें तो शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज ये कानून आपको कुछ नहीं देगा। थैंक यू।
लेकिन क्या आपको कोई ऐसा इंक्लूसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नजर आता है जिसमें जो मकामी लोग हैं उनकी तरक्की का भी कोई जरिया हो? हमें आवाज आ रही है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बलूचिस्तान में जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए और जो इस वक्त सारी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपको कोई ऐसा मॉडल नजर आता है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट इंक्लूसिव मॉडल की हो? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जियो पॉलिटिक्स है क्या, और जिस चीज को हमें बताया जाता है ना कि एक जियो पॉलिटिकल रियालिटी है दुनिया की, मैं चूंकि खुद थोड़ा बहुत आईआर में मेरी ट्रेनिंग है मास्टर्स की, तो और हमारे मुल्क में तो स्पेशली जो डिपार्टमेंट्स हैं बड़ा वो रियलिज्म का दौर दौरा है और उसके इर्द गिर्द बहुत सो कॉल्ड स्कॉलरशिप की जाती है, और मतलब कहा जाता है कि भाई या तो मतलब एक मखसूस थ्योरी बता के फिर वो दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, और इससे मेरा इख्तलाफ है। इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि मेरे ख्याल में जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की और कॉम्पिटिशन्स की और राइवलरीज की ग्लोबल लेवल पर और रीजनल लेवल पर जो हमें मॉडल्स दिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं एज इफ के वो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मेरा उससे इख्तलाफ है। मेरे ख्याल में ये वो चश्मा बना के अपने जिस नज़र से वो दुनिया को देखना चाहते हैं फिर वो आप हम सारी आवाम को पहनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन परसेप्शंस को तोड़ने की ज़रूरत है और एक अलग लेंस चाहिए हमें चीज़ों को समझने के लिए, स्पेशली जो जियोपॉलिटिक्स और उससे डिराइव्ड पॉलिसीज हैं, रिस्पॉन्सेज हैं बोथ स्टेट की और हमारे पब्लिक से भी जो एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं इस हवाले से। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहना ये चाहता हूँ इस हवाले से कि जैसे हमें बताया जाता है कि भी किसी एक हेजमोनिक पावर को होना जरूरी है दुनिया में अमन के लिए। अब ये जो स्टेटमेंट है ये अमेरिका और जो है ना जो जो दुनिया की बड़ी कुवतें हैं उनकी क्या कहते हैं सियासत को और दुनिया के साथ जो उनकी एंगेजमेंट है उसको बेसिकली जस्टिफाई करने के लिए बात की जाती है, और इसी तरह से फिर हमारे अपने इदारे अपनी यू नो लेजिटिमेसी को कायम करने के लिए और अपनी पॉलिसीज को एक रैशनल पॉलिसी और बताने के लिए फिर हमें बताते हैं कि जी रीजनली क्या चल रहा है और रीजनल और फिर हमें जाहिर है इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि जी हमारी मजबूरियां हैं जी कि हम अपने हमसाया जो चीन है उसके साथ हमें ताल्लुकात बहुत अच्छे रखने चाहिए, अगर वो कोई अगर हमें मिलिट्री भी सपोर्ट उनको चाहिए हो तो हमें देनी चाहिए क्योंकि हम कंस्ट्रेंड हैं, ये एक बात हमें की जाती है जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बताकर। तो इस हवाले से मेरा रिस्पांस ये है कि भाई अगर हम कोई हमारे दोस्त बात करते पिछले दिनों हम किसी किस्म की जगह से गुजर रहे थे, आप भी गुजरे होंगे, उन्होंने कहा जिनकी हिफाजत की जा रही है उनकी हालत देखें और जो हिफाजत करने वाले हैं उनकी हालत देखें, यानी जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं और जो रिसोर्स इनके पास अवेलेबल हैं जिनकी हिफाजत हो रही है जिनकी हिफाजत के नाम पर रिसोर्स एक्वायर किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पॉइंट मेरा ये है कि स्टेट को रेफरेंशियल नहीं होना चाहिए जब हम डिफेंस की बात करते हैं सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमें एक फंडामेंटल शिफ्ट की ज़रूरत है, लोगों को इस मुल्क की आवाम को उसके रहने वालों को उसके बच्चों को उसकी औरतों को इसकी एथनिक कम्युनिटीज़ को इसके शहरी लोगों को वो सेंटर होना चाहिए कोई भी अगर हम डिफेंस का या सिक्योरिटी का नुक्ते नज़र पर सोचते हैं बात करते हैं, तो ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और वही एक मतलब मेरे ख्याल में कोई रास्ता है जो हमें यू नो इस साइकिल ऑफ वायलेंस है जिसमें हमारी स्टेट जो है ना वो फंसी हुई है और उसको रिस्पॉन्ड कर रही है और बेसिकली हम क्राइसिस को कंट्रोल और मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर दफ़ा यही होता है। अभी अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बनी है वो आपके सामने है और जिन पॉलिसीज की वजह से है वो भी हमारे सामने है कि हम जो है ना ग्लोबल पावर्स के साथ अपने आप को इंगेज करते हैं और फिर जो है ना जस्टिफाई करते रहते हैं कि जी ऐसा करना ज़रूरी है वैसा करना ज़रूरी है। मेरे सामने बात मेरी ये इस्टेब्लिश होगी और डेवलपमेंट के हवाले से जो बात है कि बलूचिस्तान में क्या मॉडल होगा, मेरे ख्याल बलूचिस्तान का मसला इतना पेचीदा नहीं है, अगर हमें इस बुनियादी बात पर अगर हम एग्री कर जाएं कि मतलब कोई हमने खामखा तरक्की देनी है किसी को मार के ही तरक्की देनी है, मतलब ये जो हमने जिद पकड़ी है ना कि तरक्की दे के ही छोड़ेंगे,
अगर ये इस मतलब पॉलिसी से हम थोड़ा सा रुक जाएं तो मेरे ख्याल में चीजें बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू। आयशा का मुझे फोन ही आ गया, पूछ रही है कि आपकी पॉलिसी और लीगल रिकमेंडेशंस क्या है। तो लेकिन जो फयाज साहब ने बात बोली उससे इख्तलाफ रखना तो बहुत मुश्किल है, माइट इज राइट वाला, लेकिन बहरहाल हमें तैयारी अपनी पकड़नी पड़ेगी। और उसका एक मेरे ख्याल है अहम पहलू ये है कि जो भी हम तनकीद और प्रोटेस्ट एहतजाज से बढ़कर अब हमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी सॉल्यूशंस की, हमारे क्या हम क्या हल तजवीज करते हैं और उन्हीं को लेके अपने एहतजाज के हिस्से बनाने पड़ेंगे और अपने तमाम काविशों के हिस्से बनाने पड़ेंगे। तो पहली तो चीज ये है कि हमें एक नैरेटिव जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट उसके इर्द गिर्द तब्दील करने की सख्त जरूरत है। ये बात कहनी पड़ेगी और इसको हर फोरम पे इस बात को उठाना पड़ेगा कि ये एक इस्तेसनाई सूरत है, ये कोई हक नहीं है रियासत का। अलावा इसके चूंकि ये एक इस्तेसनाई सूरत है क्योंकि इस लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो ढांचा है वो इस तरह बनाया गया है कि उसमें काजी भी अज खुद हुकूमत ही है, पब्लिक पर्पस को तय करने वाला भी हुकूमत ही है और फिर उसको पोजेशन में लेने वाला भी हुकूमत ही है, तो ये तो नहीं चल सकता। तो इसके कोई मुतबादल तरीका हमें तजवीज़ करना चाहिए या तो अदालतों के जरिए या फिर किसी और कमेटी के जरिए, इसका एक मेरे ख्याल है ये तो सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। दूसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि जो इस कानून के तहत जो ऑब्जेक्शन इंटरेस्टेड पर्सन के हैं यानी जिनका उस ज़मीन में कोई हिस्सा है इंटरेस्ट है, वो इस वक्त जो है वो महदूद है उन लोगों के यहाँ जिनके मालकाना हकूक हैं और जो कॉम्पनसेशन के हकदार बनते हैं। ये जो बाकी दीगर हजरात हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया है, माहीगीर कम्युनिटी मिसाल के तौर पे गांव चरार गांवों के जरिए जो अपनी जिंदगी बसर करते हैं उनके मसले मसाइल, उनके लिए भी एक्सपैंड करने की सख्त जरूरत है इस डेफिनेशन में। अलावा इसके हमें तमाम स्ट्रेटजीज को सामने रखना चाहिए कि इस एक्विजिशन एक्ट को चैलेंज करना किस तरह है। समर गाय ने फरमाया कि हमें इसको खत्म करने की जरूरत है, चैलेंज करने की जरूरत है, लेकिन इसके कई एक तो चैलेंज करने के कई रस्ते भी हैं और कुछ दूसरों से ज्यादा मेरे ख्याल में मुस्बत है। मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में मेरे अंदाजे के मुताबिक इस्लामी कानून की रूह से और इस्लामी अहकाम की रूह से ये जो एक्ट है ये बहुत आसानी से चैलेंज किया जा सकता है और ज्यादा मुस्बत तरीके से, लेकिन इस तरफ जो है वो नज़र हमारी अक्सर होती नहीं है, खा किसी वजह से भी हो उसमें अक्सर हमारी जो है वो महारत भी नहीं है उन मसलों को जो है वो सामने रखने की। अलावा इसके हमारे पास एक बहुत अच्छी मिसाल जो है वो इंडिया से आई है, जो 2013 में उन्होंने अपने लैंड एक्विजिशन के हवाले से तब्दीलियां की थी और इसमें जो कुछ चंद अहम नुकात हैं मैं उनका जिक्र करूंगा जिसको हमें अपनी जदोजहद का हिस्सा बनाना चाहिए जिस भी सतह पर हम और जिस भी फोरम पर हम करें। ये कि मकामी लोगों का जो है अक्सरियत कम अज़ कम 80% उससे भी ज़्यादा हो तो बेहतर, उनकी रजामंदी के बगैर आप नहीं ले सकते जमीन, ये जरूरी एक नुक्ता है और इसके पीछे हमें किसी किस्म की एक वो करनी पड़ेगी, मतलब हमें महाज कायम करना पड़ेगा इस सिलसिले में, मुस्बत तरीके का हमें कोई रद्द अमल तय करना पड़ेगा। इसी तरह सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इसकी एक तो कानून इसके बहुत कमजोर है तो उन कानून में तरामीम जरूरी है और ये गो के इतना अहम नहीं लगता क्योंकि इसका लैंड से कोई इमीडिएट ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल यही सबसे पीछे जो कारामद एक कुवत है वही चलती चली आ रही है कि हमारे कानून इतने कमजोर हैं और कोयले के हवाले से भी थर में लग जाने का एक अहम वजह ही है क्योंकि कोयले के की रेगुलेशन पे कुछ हमारे पास खास कानून है ही ना। इसके साथ साथ जो है वो मार्केट वैल्यूज, ना कि कोई डीसी के रेट या कोई उनका अपना तयशुदा रेट, मार्केट वैल्यूज और जो असल सेल हुए हैं किसी इलाके में उसको शुरू से ही तय करके उनमें जो टॉप के जो वो हैं वैल्यूज उनको चुन के फिर उस रेट पे देना। इसी तरह जो है हमें जो है वो पब्लिक पर्पस का जो तय करने का जो तरीका है उसमें हम सारों को शामिल होना पड़ेगा और मुख्तलिफ फोरम्स पे शामिल होना पड़ेगा, ना सिर्फ के लैंड एक्विजिशन के सिलसिले में, हसूल अराजी के अलावा भी मसले हैं। मिसाल के तौर पर जब कोयले को आपने चुन लिया कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है तो वो कहाँ चुना गया, उस पर कौन सी बहस मुबाइसे हुए और वो किस फोरम में जो है ये फैसले गए, उन्हें भी वहाँ हमें शरीक करना एक यूनिफाइड फ्रंट के तौर पे करना जरूरी होगा। रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा टेक अवे होना चाहिए हमारे लिए, जो भी हम यहाँ से आगे कदम बढ़ाएंगे उसमें ये सबसे मुकदम होना चाहिए क्योंकि एक तो ये कि वो एक राइट के तौर पे ना एक पॉलिसी के तहत, यानी वो सिर्फ एक डायरेक्टिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, वो एक जस्टिसेबल राइट होना चाहिए जो कि अदालतों में आप उसको उसका तहफ्फुज़ ले सको।
तो ये मेरे ख्याल है, और इसमें जो 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 ज़रूरी बात है वो ये है कि एक मुतबादल जगह जो उस इलाके की माहौलियात, उसके जंगलात, उसके मतलब उसके जानवर, उसके सारे जग्राफी जो उसके वो हैं हरकत, और इसी तरह पानी के, ख़ास तौर पे अगर आप सिंध की बात करें तो पानी का जो वहाँ पे मामला है, उनको प्रिजर्व रखते हुए वो एक जगह हो जो कि बनती भी है मुतबादल, ना सिर्फ कि आपने कॉम्पनसेशन दे के फारिग कर दिया या कुछ लोगों को एक जगह दे दी है, कुछ लोगों के नहीं, जो कि हमें थर में देखने को मिला है। तो इस तरह के दीगर हैं मामला। आखिरी में मैं ये बात जिक्र करूँगा कि हमें सख्त ज़रूरत है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और जो मकामी इल्म है वो एक हिस्सेदार बनाया जाए इन तमाम फैसलों का। थर में हमें ये देखने को मिला है कि कोयले के प्रोजेक्ट के जो मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर उन्होंने एक रिजर्वायर बनाना था, वो पानी का उन्होंने जिस जगह पे बनाया वो लोकल वहाँ पे जो मकामी थे वो काफ़ी अरसे से आवाज़ उठा रहे थे कि भाई यहाँ पे तुम्हारा पानी नहीं सही रहेगा, या तो ये टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या पानी इस पर तुम काबू कर ही नहीं सकोगे, आगे बनाओ जहाँ टीले के साथ एक जगह नीचे बनती है। और उस इल्म को किसी किस्म की तरजीह ना देने की वजह से आज हमें ये देखने को मिला कि वहाँ पे दो बिल्कुल ही फारिग पड़े रिजर्वायर, अब तीसरे बनाने का मनसूबा बनाया जा रहा है। तो ये भी एक हमारा एक डिमांड होना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में इस सारे को जो है ना, इन तरामीम के अलावा इनको पॉलिसी डायरेक्टिव भी कहना चाहिए, और अमली सियासत की भी एक रुख मेरे ख्याल में इसको यूँ समझना चाहिए। ये मेरी तरफ से कुछ गुजारिशात होंगी। थैंक यू सो मच जैन, मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छी तरह खुलासा कर दिया। दो मिनट लूंगी जो मेरे कुछ अहम नुकात मुझे समझ आए हैं। एक तो ये है कि 1894 का अंग्रेजों का बना हुआ एक्ट आज क्यों हमारी तरक्की डिटरमिन कर रहा है, मुझे इसकी कोई तुक समझ नहीं आती। इंडिया ने, बांग्लादेश ने, मेरे ख्याल में नेपाल ने इस कानून को अमेंड किया है, हम क्यों इसमें पीछे हैं। दूसरा ये है कि कानून के अंदर जैसे कि लाली साहब ने बहुत अच्छी तरह वाजे किया कि कानून जो ताकतवर हैं वो उसको मिसयूज करते हैं, तो कानून के अंदर सेफ गार्ड होना बहुत ज़रूरी है, और वो सेफ गार्ड जैन ने मेंशन किए थे, मैं उनमें और डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन तीसरा ये कि सिर्फ कानून होना काफ़ी नहीं है, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पावर, लोकल गवर्नमेंट्स, इन सब के मैकेनिज्म्स मौजूद नहीं होंगे तब तक तरक्की इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के फवायद कुछ लोगों को ही जाएंगे, आम मकामी लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चूंकि इस वक्त पूरे मुल्क में जो लैंड क्वेश्चन है कि जो ज़मीन के ऊपर तरक्याती मनसूबे हो रहे हैं वो हर तरफ फैला हुआ है और बहुत मुतनाज़े है, तो मेरे ख्याल में बहुत अहम है कि अभी इस कानून और इस डेवलपमेंट मॉडल को क्वेश्चन किया जाए और प्रेशर डाला जाए रियासत के ऊपर कि इन कवानीन को और इन प्रोसेसेस को मॉडिफाई किया जाए कि आम लोगों को फ़ायदा मिले। इसके साथ मैं रैप अप करती हूँ और हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल हैं। जी अच्छा, 10 मिनट है, मेरे ख्याल में 2 से 3 सवाल ले सकेंगे हम। जी शुक्रिया। मेरा जो है वो सवाल उमर गिलानी साहब से है। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो पूरे नालों की जो लीजेज़ हैं उसको कैंसिल करने के साथ साथ तजावजात की मिसमारी का ऑर्डर दिया है, और उसके साथ साथ जो है उनको वो रिहेबिलिटेट करने का भी उनको कहा है, तो क्या इस पर जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू होता है? और उसके साथ ऑल्सो सिंध हुकूमत को ज़ाहिर है मुतासरी मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए, या फिर रिसेंटली जिस तरह ऐलान किया है कि वो 80 गज के प्लॉट जो हैं वो मुतासरीन को देंगे, इस बेसिस पे होना चाहिए या जो उसका मार्केट रेट है उस हिसाब से होना चाहिए? शुक्रिया। गुजर नाले के हवाले से जो आपका सवाल है उसके बारे में आज हमारे दरमियान अबीरा अशफाक मौजूद हैं, जो कराची से तशरीफ लाई हैं और वो उस मुकदमे की पैरवी भी कर रही हैं, उसको ज़्यादा बेहतर समझती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो सवाल आपने उठाया बड़ा दिलचस्प है। अगर फाजिल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं उससे एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा इख्तलाफ करता हूँ, मुअद्दबाना इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो फैसला सरासर जुल्म और ज़्यादती पर मबनी है और ग़लत है, गैर कानूनी और गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट के बल्कि पूरे मुल्क के वुकला और जजेस के सर इस किस्म के फैसलों की वजह से झुक जाते हैं। शायद जिन लोगों ने फैसला लिखा है उनको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये ऐसा है।
अब दूसरी बात देखें, जो आपने आपने कंसेप्चुअल एक बात की ना, अगर एक रियासत चाहती है कि एक नाले के अंदर लोग आबाद हो गए और वो उन लोगों को उस नाले से निकालना चाहती है, तो इसका एक रास्ता तो लैंड एक्विजिशन एक्ट था कि आप उन लोगों को मालिक मानते, फिर आप उन लोगों से मुआवजा देकर वो ज़मीनें वो घर वापस लेते जो उन्होंने बनाए हैं, और उसके बाद उनको उस जगह को मस्मार करके वहाँ पे आप पानी बहाते। लेकिन आपने क्या किया, आपने लैंड एक्विजिशन के के झंझट में भी, अगर जो उसमें भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन गुजर नाले के केस में आपने उस एक्विजिशन के झंझट में भी नहीं पड़े, आपने बस ऊपर से एक ऑर्डर किया कि ये सब गैर कानूनी बैठे हुए ये कीड़े मकौड़े इनको निकाल दो यहाँ से। बाद में आप जैसे हसास लोगों ने जब थोड़ा आवाज़ उठाई, उन लोगों ने खुद इकट्ठे होके अपना हक मांगा, तो फिर किसी हद तक उन्होंने कहा चलो इनको हम निकालते वक्त कुछ औने पौने दाम भी दे दें। लेकिन लैंड एक्विजिशन कुड हैव बीन, देखें आप कहते हैं इस्लामाबाद में आज हाउसिंग की कमी है, हमारे पास जगह नहीं है, DHA के लिए जगह नहीं है, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जगह नहीं है, तो क्या ये क्यों लाजमी है कि आप रूरल एरियाज में जाके लैंड एक्विजिशन करते हैं? हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लैंड सिटी सेंटर में मौजूद हैं, ये H8 के अंदर आप देख लें इतनी सारी ज़मीनें हैं, या इस्लामाबाद क्लब हमारा बहुत मुझे तो बड़ा अजीज़ है, मैं तो ज़ाती तौर पर उसका मेम्बर हूँ, लेकिन वो एक बहुत बड़ी ज़मीन मौजूद है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, प्रेसिडेंट हाउस मौजूद है, ये क्यों नहीं होता कि कभी उस उनकी ज़मीन अक्वायर हो जाए कि जी आपको हम DC रेट के हिसाब से, इस्लामाबाद का क्लब का DC रेट मेरा ख्याल है 2-4 करोड़ बनता है वो तो वो बड़ी अच्छी जगह है, वो अक्वायर कर लें और वहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग बना लें, ये क्यों नहीं हो सकता? तो जो गिलानी फयाजुल हसन गिलानी साहब की बात है उससे मैं टोटली इख्तलाफ नहीं करता कि ये जो कानूनी रास्ते हैं ये तो एक रास्ते हैं, असल में तो लोगों ने अपना हक मांगने के लिए वो शऊर इकट्ठा करना है, वो सॉलिडेरिटी इकट्ठी करनी है, जिसके बाद वकील और जज उनको और रियासत उनको उनको रास्ते भी दे देगी। लेकिन ये कि जब तक वो हक लोग मांग नहीं सकते, आप उनको इकट्ठा नहीं होने देते, तब तक तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। आपका सवाल जो है इंशाल्लाह अगर उसमें कोई कोई कमी रह गई तो मैं आफ्टर द सेशन उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं कर लूं बात? जी, अच्छा ठीक है, आप करें, फिर पीछे दो सवाल है। ठीक है, अच्छा इस सारे कजिए में जो बात हुई वो बात हुई है फेयर कॉम्पनसेशन की, बार बार उसका जिक्र किया गया है, गिलानी साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ लोगों को ज्यादा दिया जा रहा है, कुछ को कम दिया जा रहा है। 2013 के एक्ट का भी जिक्र हुआ जो हिंदुस्तान में पास हुआ है, और उसके अंदर फेयर कॉम्पनसेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने शामिल की हैं, सिर्फ मार्केट प्राइस नहीं है, और बाकी बाज लोग कहते हैं कि ये तो लैंड लॉर्ड के हक में है ज्यादा एक्ट वगैरह। मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये समझना है कि फेयर मार्केट कॉम्पनसेशन आप कैसे डिराइव करते हैं? इस मुल्क में लैंड ब्लैक मनी का सबसे बड़ा कंड्यूट है, ठीक है, हमें तो ये पता ही नहीं है कि ये जो जमीन, अगर यहाँ भी आप खड़े हुए हैं तो इस जमीन की ब्रोकर्स 4 ब्रोकर डिफरेंट प्राइसेस लगाएंगे। आपके पास क्या पुराना डेटा मौजूद है? लोग तो टैक्स नहीं देते उसके ऊपर, मतलब इसमें तो वो टैक्स छुपाते हैं, तो जब तक आपके पास डेटा मौजूद नहीं है कि मैं कहूं कि मूविंग एवरेज है 1 साल का, कोई आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए है, और डेटा ऐसा डेटा बैंक होना चाहिए जिसको आप बियॉन्ड डाउट रखें। तो ये हमारे जो लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं फाजिल लोग, क्या आपके माइंड में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, स्पेशली जो हमारे बलोचिस्तान और जो जैन साहब बैठे हुए लम्स में, उनसे मैं ये बात करना चाहूंगा। शुक्रिया। जैन, आप तक आवाज गई? जी आयशा, आप जवाब देना चाहेंगे? मुख्तसर साहब, मैं हमल से भी सुनना चाहूंगा उनकी क्या राय है इसमें। हाँ, सवाल बजा है और इंडिया वाले कानून भी वो काफी हद तक मुतनाजा भी हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शामिल थी जिन पे मैं पहले उनका जिक्र करूंगा क्योंकि वो जुड़ी हुई है कॉम्पनसेशन के सवाल से। कॉम्पनसेशन को हमें थोड़ा सा बड़े पैमाने पर देखना पड़ेगा कि है क्या कॉम्पनसेशन, सिर्फ जमीन और पैसे की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे उनका जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज था उसमें एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी थी, उसमें एक वन टाइम रीसेटलमेंट अलाउंस भी शामिल थी, इसी तरह उसमें एक ग्रांट दिया गया था वो लोग को जो कि मतलब आर्टिजन टाइप हैं, जिनकी मतलब मुस्तकिल कोई रोजी उस तरह से जुड़ी नहीं थी जमीन से, जो कि हम कह सकें कि जमींदार थे या कह सकें कि ये बाहरी थे वगैरह।
इसी तरह उनके साथ जो पूरा खानदान डिस्प्लेस होता था उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस भी दिए गए थे, हाउसिंग अलहदा और फिर इनके चरारगाहों की भी अलहदा। तो दिस इज अपार्ट फ्रॉम कॉम्पनसेशन, यानी वो रकम के अलावा ये सारी बातों का जिक्र। मेरे ख्याल में ये ज्यादा जरूरी है कि हम एक मुस्तकिल पॉलिसी या तो वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर लाएं जिनमें किसी भी केस ऑफ लैंड एक्विजिशन में वो सारा मामला तय होना जरूरी है और इसमें लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन भी शामिल हो। पहले तो ये मेरे ख्याल है जरूरी है शामिल करना। इसके अलावा जहां तक मुआवजे का सवाल है, मुआवजे का सवाल है, उसमें जो मेन चीज देखने की है वो ये है कि आप मार्केट रेट को किस तरह देख रहे हो। और जाहिर सी बात है कि मार्केट रेट खुद इतनी एक वॉलेटाइल चीज है, जब आपने इलाके को अक्वायर कर दिया तो मार्केट रेट वो उठना शुरू हो जाती है, और इसी तरह जब आपने इरादा रखा कि आप इसको हासिल करोगे तब भी उसके मतलब आपको मालूम ही है कैसे होता है पसे पर्दा क्या क्या चीजें हो रही होती हैं और उनके रेट्स ऊपर नीचे बढ़ रहे होते हैं। तो मेन चीज मेरे ख्याल से देखने का ये है कि मुआवजा हैज टू बी इक्वल टू कि उनको किस चीज की जरूरत है, कि उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे जो उन्होंने खोई हैं चीजें, उनके पानी का इस्तेमाल, उनके चरारगाहें, उनकी जानवरों माल मवेशी के चलने की जगहें, उनके रहन सहन के तरीकेकार और उसका कल्चर सकाफत, उनके इर्द गिर्द की जो उनको सहूलतें हासिल हैं, ये सारा कुछ पहले तो ये एक मेरे ख्याल है प्रिंसिपल होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रिंसिपल आपको मेरे ख्याल है इंडिया के ही कानून में मिलता है, वो है जस्ट कॉम्पनसेशन का और पब्लिक पर्पज का, कि जो पब्लिक पर्पज जिसके लिए आप ले रहे हो आपको उसके लिए कितनी लेनी है जमीन और किससे लेनी है और क्यों। अब थर में मिसाल के तौर पर हमें ये देखने को मिला है कि एक पट्टी ले ली उन्होंने कोयले के लिए, अगली पट्टी नहीं ली उससे तीसरी पट्टी ले ली, ये कहा ये किस किस्म की एक एक्विजिशन है। जाहिर बात है जब आपको जमीन चाहिए तो आपको उसका कंसोलिडेटेड पैच ही चाहिए अगर आपने उसमें जो है वो पानी का एक रिजर्वर बनाना है, जो भी बनाना है। तो ये किस्म इस किस्म के जो मामलात हैं उसमें पहले अगर हम इसमें शामिल होके ये लड़ाई लड़ें कि इसमें किसी किस्म की रैशनल और रीजनेबल माकूल तरीका अख्तियार किया जाए, तब जाके जो है वो कॉम्पनसेशन के मुख्तलिफ पहलू भी ज्यादा वाजे होंगे, वरना सिर्फ रकम पे अगर हम अड़ गए तो मेरे ख्याल है ये जो बकाया बहस है वो घूम जाएगी कहीं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि मुआवजा जो भी मतलब जो भी आपका पैसा बनना चाहिए उसमें मार्केट वैल्यू पिछले 3 साल की कम अज कम, पिछले 3 साल का अगर हम वो तज्जिया करें, और उसमें जो टॉप 50% है कम अज कम इतना तो होना चाहिए ताकि पता भी चले कि वो राइजिंग प्राइसेस का जो है वो किसी किस्म का उसमें शामिल किया है उसकी कंसिडरेशन। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट से, ये इसी वजह से मुझे आई एम सॉरी कि मुझे ये तीसरी दफा कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में कानून ताकत है, वरना अदरवाइज अगर आप इसको हल करना चाहें तो हमने उनको 2 सोल्यूशन दिए थे, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो हमने उनसे ये कहा था कि सर बहुत इजी है, हम यहाँ पे असल में इसका मकसद ये होता है कि जो मुतासरीन है उनको आप मुतमिन कर रहे हैं। वो किस तरह मुतमिन होते हैं, हम यहाँ पे कोई वो कानून की कोई हतमी राय को तो सेटल नहीं कर रहे। तो इसके हमने कहा था कि हम आपको 2 तरीके बताते हैं, एक आप वहाँ की जो मकामी ट्रेड्स यूनियंस हैं और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं मकामी, आप उनसे राय ले लें, जो वो राय आपको दे रहे हैं उससे 5% कम पे हमें आप दे दें, हमें मंजूर है। यहाँ पे उन्होंने, मैंने कहा ना कि ये कानूनी मुशगाफियों में उलझा देते हैं हम जैसे अनपढ़ लोगों को, नहीं जी फिर इस चीज़ का फैसला कौन करेगा कि जो वो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा ये किस कानून के तहत ये साबित हो गई। मैंने उनके सामने, हमने ये बात रखी, हमने कहा सर बात सुनी, जो 2-4 डैम हो, ये कराची में जो मुतासरीन है उनका इलाका हो, ये रिंग रोड हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़मीनें सरकार की भी हैं, कहीं सूबाई हुकूमत की हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हैं, कहीं यूनियन काउंसिल की हैं। अब उन दिनों में DC साहब ने एक अपनी टोर बनाई थी, आपने पढ़ा होगा, इन्होंने चकवाल में कुछ ज़मीनें मतलब लोगों से वापस ली थी, जो ये तजावजात हो रही थी तो वापस ली थी, और उनकी DC साहब ने पूरी एक समरी बनाई थी कि जी देखें मैंने इतने करोड़ की ज़मीनें वागुजार कर ली हैं चकवाल से। हमने उनसे पूछा कि सर ये किसने फैसला किया कि ये इतनी थी, और उन्होंने हमें पूरे इत्मीनान से ये बात समझा दी कि जी ये इस कानून और इस शेख का, और ये जिस तरह डॉक्टर शेर अफगन की तरह ये बताते हैं, गिलानी साहब को पता होगा, ये 20 लाख पर कनाल की है,
तो उस वक्त हमने उनसे कहा था कि ये सर जो तला गंग के मजाफात में है वो 20 लाख कनाल है, और जो यहाँ पे पिंडी में आपकी जो जमीनें जितना उनके मार्केट वैल्यू आप फैसला कर लें हमें वो मंजूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे माशरे में इंसाफ होता नहीं है और यही रोना है हमारा। अभी जो सॉरी एक मिनट बस, अभी वो हमारे दोस्त थे फाटा वाले वो बात कर रहे थे, असल में प्रॉब्लम क्या है जो मैं ये समझाऊं, हमें गैर जरूरी तौर पे कभी अकायद की बुनियाद पे कभी एथनिक बुनियादों पे, ये असल में पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे एक तबकाती लड़ाई है, और मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली चूंकि मेरा सर इन कामों में सफ़ेद हुआ है, मैं जानता हूँ ये जो बाहर लियाकत बाग में खड़े होके कहते हैं ना काफर काफर फलाना काफर, उन सब की कितनी बहनें और बेटियां उनकी बहुएं होती हैं जिनको कह रहे होते हैं, जो कहीं पे खड़े होके कह रहे होते हैं कि जी ये फलाने पंजाबी गद्दार हैं और वो फलाना दुश्मन है, कितने रिश्ते उनके आपस में, ये ऊपर लेवल पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सारे मिले हुए हैं, ये सारे रिश्तेदार हैं। नीचे हम लोगों को कभी शिया सुन्नी के नाम पर लड़ाते हैं, कभी पख्तून पंजाबी के नाम पर लड़ाते हैं, और ये जो कहते हैं ना जी जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में हो रहा है फाटा में हो रहा है, मैं आपको साबित करता हूँ कि इस कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर गरीब उतना ही मजलूम है जितना कोई थर का है, और अमीर उतना ही जालिम है जितना कोई लोरालाई का है। ये एक सादा सी बात है, अगर हम समझ जाएं तो मेरे ख्याल है हमारे मसले हल होंगे। अच्छा एक सवाल मेरी तरफ से अमल साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैं आप तनवीर बात कर रहा हूँ। अमल जान बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव ने जो डेवलपमेंट और लैंड एक्विजिशन के इश्यूज पर आपने सरासल बहस की, मैं पार्टिकुलरली ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो गुफ्तगू थी वो जेनरिक थी, तो क्या बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपका सर्वे या आपकी रिसर्च कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंटल इश्यूज पर हैं पार्टिकुलरली? दूसरा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये है कि आपके अपने इलाके से लेकर फिर आपकी कैपिटल तक तकरीबन 850 किलोमीटर बनती है, वहाँ देखते हैं कि सरकार की तरफ से कितना लैंड एक्विजिशन हो रही है, ना सिर्फ लैंड एक्विजिशन उसके साथ प्रॉपर्टी पोजीशन हो रही है, प्रॉपर्टी की जो कब्जा गिरियत है, वो सवाल है आपकी क्या स्टडी है और आपकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, ये जानना चाहता हूँ आपसे। वो सवाल भी ले लेते हैं फिर दोनों का जवाब इकट्ठे कर लेते हैं। सर मेरा तल्लुक इस इलाके से जहाँ पे ये ददोचा डैम बन रहा है। मेरी आपसे गिलानी साहब से एक क्वेश्चन है कि इस वक्त जिस तरह अभी आपको बताया गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट की अपील को ऑलमोस्ट वन साइडेड हियरिंग के बाद मंजूर कर लिया है और एक गैर मुद्दत के लिए उसको आगे केस को मुलतवी कर दिया है, तो इस दौरान मुतासरीन के पास ऑप्शन है कि वो जा सकते हैं फॉर रीड्रेसल ऑफ देयर कंसर्न्स, क्योंकि अब तो ये रेस अगेंस्ट टाइम हो गया ना कि अगर डैम बन रहा है तो लैंड्स आर गोइंग टू बी सरप्राइज, तो फिर मुतासरीन क्या कर सकते हैं? थैंक यू। ये आपने ऐसा सवाल किया कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, बड़ी हमें रोज अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पार्टी को बगैर सुने फैसला कर दिया और अब दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है। जाहिर है आपके पास फॉर्मल लीगल सेंस में अदालत में एप्लीकेशंस दायर करने का, नई पिटिशंस दायर करने का इख्तियार मौजूद है। आर्टिकल 1843 के तहत आप नई पिटिशन दायर कर सकते हैं, उसी पिटिशन के अंदर अर्ली हेयरिंग की या जल्द समाअत की दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अब आप कानूनी सतह पे भी जिद्दोजहद करते रहें और साथ जो सियासी और समाजी सतह पे जिद्दोजहद है इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनका भी इनेकाद करें। आप गुजर नाले के मुतासरीन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ गए तो ये काम आपको करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। मैं अगर आपको ये कहूँ कि कोई कानूनी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आपको आपके हकूक आईन में जो लिखे हैं वो मिल जाएंगे तो ये शायद झूठ होगा, आपको उन हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा। एक मिनट ये जो मेरे भाई ने बात की है इस पे मैं अभी पहले मैंने आपको एक लतीफ़ा सुना था, एक सच्चा वाक्या बता रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट आशा प्लीज़ एक मिनट। वो मेरा कज़न मुझे उस दिन बता रहा है कि जी मेरे वालद साहब बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे
तो एक दफा थाने में गए कुछ चीज टेस्ट करवाने के लिए, तो थानेदार ने कहा कि यार अब मैं टेस्ट कर दूंगा, आप इस तरह करें कि लंबरदार से तस्दीक करवा लें, जो गांव का लंबरदार होता है। तो कहता है हम जब वापस आ रहे तो हमारे गांव का ही था, उसका पियन था थाने में, तो उसने पूछा भाई किधर आए हो, तो हमने बताया कि जी ये बात ही, तो थानेदार ने SHO ने हमें ये कहा, उसने कहा भाई 5 रुपये हैं तुम्हारे पास, ये कोई लेट 50s या अर्ली 60s की बात है, 5 रुपये की बड़ी अहमियत थी। तो हमने कहा है, उसने कहा मुझे दो, उसने 5 रुपये लिए और SHO के पास चला गया वो नीचे रख के। तो उसको कहा यार ये हमारे गांव के सैयद हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो ये आए तो आप इनको कार दें। तो SHO ने कहा कि यार मैंने तो इनको कहा है कि लबड़दार से तस्दीक करवा के ले आओ, मैं कर दूंगा। तो वो पियन थानेदार को कह रहा है सर फाइल चेक करें ना, लबड़दार ने तस्दीक कर दी है। वो जब उसने कागज पलटा, नीचे 5 का नोट पड़ा हुआ था, तो कहता है वाह वाह सुभान अल्लाह जी, आपकी तो बड़ी करामात है, आप एकदम से तस्दीक करवा लेते हैं। एक तो इसका तरीका सर यह है कि आपको लंबरदार साथ लगाना है, और दूसरा तरीका जो हमारे खान साहब ने कहा ना कि मौला अली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। मैंने एक दफ़ा खान साहब को भी कहा था, मौला अली का एक और भी कौल है कि जुल्म करना तो जुल्म है, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त करना उससे भी बड़ा जुल्म है, जुल्म को बर्दाश्त करने से इनकार कर दे। हमें लगे 30 सेकंड्स के अंदर आप सवाल का जवाब दे दें। मैं कोशिश करूंगा, शुक्रिया आयशा। तनीर साहब गुड टू सी यू टू। मैंने अपने जो अलॉटेड टाइम था उसके अंदर बेसिकली एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क देने की कोशिश की, जिसके जरिए हम बलूचिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ शहरों में जाए, वहाँ पर डायनमिक्स अलग अलग हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं जिसके जरिए वहाँ पे लैंड एक्वायर की जा रही है। लेकिन मैंने ब्रॉडली आपको ये बताने की कोशिश की कि जी लैंड यूज का जो चेंज है वो हमें बड़ा विजिबली नज़र आ रहा है, और ये ग्वादर में भी हो रहा है, मकरान भर में हो रहा है, जहाँ जहाँ अंडर CPAC ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से रियल इस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं, वहाँ पर हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जी वो लैंड की टाइटलिंग हो रही है, जहाँ पर सेटल्ड ज़मीन नहीं है वो सेटलमेंट्स हो रही हैं। और अगर आप पर्टिकुलरिटीज की बात करें तो हफीज जमाली साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने ग्वादर पर रिसर्च की है और वो आपको बताएंगे। मोलाबंद वार्ड का भी आपको मेरे ख्याल में अच्छे से अंदाजा है कि किस तरह से वहाँ से लोगों को डिसलोकेट किया गया और 8 किलोमीटर दूर बल्कि शहर से बिल्कुल बाहर भेजने की उनको बात की गई। और फिर ये वाली बात भी मेरे ख्याल में आपके इल्म में ही होगी कि जो पुराना ग्वादर है जिसमें शाही बाजार और जो पुराना बेसिकली सेटलमेंट है ग्वादर की, उसको पोर्ट सिटी एरिया में मर्जर की बात की गई, और फिर रिसेंटली लोगों ने एहतजाज वगैरह भी किए उसके ऊपर कि जी इनको जो है ना रिवाइज किया जाए, जो कहते हैं GDA का जो मास्टर प्लान है, और सुनने में आ रहा है कि जी वो उसको कंसिडर कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इस बात को मैं क्लब टुगेदर करना चाहता हूँ जो पहले वाला सवाल था जो कंपनसेशन से मुतालिक था। मेरा अपना एरिया, अपना ताल्लुक ऐसे एरिया से है जो कि एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे लोग डिसलोकेट हुए, पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जरी ज़मीनें नाकाबिले इस्तेमाल रही, और मेरे ख्याल में 20 साल हो गए हैं हम लोग कंपनसेशन को वेट कर रहे हैं। और ग्वादर के मामले में भी इसी तरह है। तो मेरा लार्जर सवाल ये है कि इन रिस्पॉन्स दोनों पॉइंट्स जो उठाई गई हैं कि ये जो 20 साल में लोगों की जो सस्पेंडेड जिंदगियां हैं वहाँ पर, उनके जो लाइवलीहुड्स लॉस हुए इस सारे ब्यूरोक्रेटिक उसके नतीजे में, जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वजह से, तो उनका जवाब कौन देगा। और इस हवाले से फिर जाहिर ये है कि जो जैन ने भी बात की कि जो इंडिजिनस नॉलेज है, और फिर लोगों से ये पूछना पड़ेगा कि वो इस अरेंजमेंट से अगर वो खुश हैं तो आपको बता देंगे कि जी हम इस जो आप ऑफर है, चाहे वो कंपनसेशन के हवाले से हो या रीसेटलमेंट के हवाले से हो। तो मेरे ख्याल में लोगों के रिस्पांस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो कि एक यानी हमें सस्टेनेबल और यानी कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करेगा इन सिचुएशंस में, बलूचिस्तान में पर्टिकुलर। थैंक यू। और मेरे ख्याल में ये प्रोबेबली सबसे अहम रिसर्च क्वेश्चन है कि इस वक्त लैंड एक्विजिशन का कितना इस्तेमाल हो रहा है और उसके तहत कितनी ज़मीन एक्वायर की जा रही है। और जो आपने सवाल किया
मार्केट रेट और कॉम्पनसेशन का तयन, ये भी एक बहुत मुश्किल टेक्निकल सवाल है जिस पर रिसर्च की जरूरत है। मैं रैप अप करती हूँ, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया, हमारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत सीखा इस डिस्कशन से, थैंक यू सो मच।